बड़े स्पीकर आने हैं और बहुत अच्छी चीजें बतानी है, लोगों के पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, तो अपने मोबाइल्स को या तो साइलेंट मोड पे कर लें या ऑफ कर लें। कोई इंपॉर्टेंट कॉल अगर आंसर करना है काइंडली यहां मत शोर मचाइएगा, बात करिएगा, इमरजेंसी है तो बाहर जाके अपना कॉल अटेंड करें। साथ ही साथ अभी मैं चाहूंगा श्री अनुपम गुप्ता जी जीवीबी बिल्डर्स के, वो आपसे कुछ कहना चाहेंगे, तो तालियों के साथ उनका अभिनंदन करिए अनुपम गुप्ता जी का। थैंक यू सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक सर हैव शेयर्ड विद यू दैट टुडे वी आर ऑल हियर फॉर द जीएसटी, बट बिफोर दैट माइसेल्फ लेट मी इंट्रोड्यूस यू। आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स जीवीपी ग्रुप। जो आपने कई जगह पे होर्डिंग्स देखे होंगे, न्यूज़पेपर एड्स देखी होंगी एंड एफएम एड एंड ऑल द स्टफ, वी आल्सो बेसिकली लाइक टू शेयर विद यू दैट इन द रियल स्टेट आल्सो द जीएसटी इज गोइंग टू इंपैक्ट 12% जो है वो टैक्स होगा कंपेयर टू 4.5% जो सर्विस टैक्स लगता था बिल्ट अप प्रॉपर्टी पे, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती थी, दैट इज देयर, सो विच इज गोइंग टू इंपैक्ट मेजरली। उसके लिए एक तो जो है दैट व्हाट एवर द डिसीजन यू आर हैविंग इन योर माइंड कि आपने कोई फ्लैट बाय करना है, कमर्शियल बाय करना है, व्हाट आई फील सो कि आपको 30 जून से पहले पहले वो डिसीजन ले लेना चाहिए, बिकॉज कोई भी जो प्रॉपर्टी आज आप 100 रुपीज की बाय करोगे जो इसके ऊपर आज की डेट में 4.5% टैक्स है, वो 12% हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 100 रुपये वाली चीज आप 112 में खरीदोगे आफ्टर 1st of July। सो दैट इज द वन थिंग विच इज आई थिंक कईयों के माइंड में होता है कि यार मैंने ये फैमिली के लिए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बाय करनी है, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बाय करनी है, सो दैट यू कैन टेक। आई विल जस्ट ब्रीफ यू अबाउट द कंपनी ऑल्सो बिकॉज वी आर ऑल लोकलाइट हेयर, दैट वी एज अ कंपनी हैव प्रोजेक्ट्स इन जीरकपुर, डेराबसी एंड खरड, वेयर इन वी हैव द रेडेंशियल टाउनशिप इन द नेम ऑफ एथन्स। जीरकपुर के अंदर बिल्कुल प्राइम एयरपोर्ट लोकेशन के ऊपर हमारा 1300 फ्लैट का प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 4 BHK सर्वेंट रूम, दैट प्रोजेक्ट इज कमिंग अप। एंड टर्न ओवर ऑफ द कंपनी एज फार एज आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट वी आर हैविंग एज ऑफ नाउ टर्न ओवर 400 crores एंड एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट्स वर्थ 2100 crore। तो एज ए ब्रांड हमारी कोशिश रहती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हम आपको अवेलेबल कराएं। और सबसे बड़ी बात है इस पीरियड के अंदर जो डिमोनेटाइजेशन का पीरियड था, इसके बाद रियल स्टेट के अंदर तेजी आई है, जबकि उल्टा सिनेरियो था, जो न्यूज़पेपर्स थे वो ये कहते थे कि मार्केट जो है वो डाउन जाएगी। उसका कारण ये है कि जो होम लोन की रेट्स जो है वो सस्ते हुए हैं, दूसरा थोड़ा सा ये भी हुआ है कि अब कैश का फ्लो था मार्केट के अंदर वो फास्ट हो गया है, फास्ट इन द सेंस कि पहले वो लोकरों के अंदर दबे रहते थे, नाउ दे आर कमिंग आउट इन द मार्केट वेरी फास्ट विद द फियर दैट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दैट द डीमोनेटाइजेशन कैन हैपन अगेन, सो दैट इज देयर। सो बट आई वुड लाइक टू ब्रीफ यू अबाउट द ऑप्शंस। वी हैव वंडरफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन द नेम ऑफ जीवीपी सेंट्रम, हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि बेसिकली इलांते मॉल की तरह मॉल बन रहा है। उस मॉल के अंदर यू कैन बाय ए होटल रूम, यू कैन बाय ऑफिस, यू कैन बाय शोरूम्स, जिसमें आप कोई भी ब्रांड का जैसे लुई फिलिप, टॉमी हिलफिगर, वैन हुसैन, वुडलैंड, किसी भी तरह का शोरूम खोलना चाहते हो, कंपनी विल प्रोवाइड यू द ब्रांड, सो यू कैन ओपन लाइक इलांते मॉल इन द जीरकपुर। वी आर कमिंग एट द प्राइम लोकेशन जीवीपी सेंटर। इस प्रोजेक्ट के अंदर 20-story प्रोजेक्ट है, 12 लाख से 15 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है। 15 लाख से आप अपने ऑफिस के लिए, जो अपने बैठने के लिए एक वहां पे ऑफिस खरीद सकते हो, उस ऑफिस में सारी फैसिलिटीज होंगी कॉमन, उसके अंदर पेंट्री होगी, वॉशरूम्स होंगे, कॉन्फ्रेंस रूम होगा, रिसेप्शन एरिया होगा, तो बहुत ही कम पैसों के साथ हम अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जबकि नॉर्मल डेटरेंट क्या होता है, रेंट, कि कोई भी काम शुरू करना है 50,000 लाख रुपए रेंट चाहिए, बच्चों ने कोई काम शुरू करना 50,000 लाख रुपए रेंट चाहिए, 15-20 लाख के अंदर आप एक ऑफिस बाय कर सकते हो जिसके साथ सारी फैसिलिटीज आपको वहां पे मिलेगी बिल्डिंग के अंदर। और मोर सो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड पे चल रही है, 3 साल में इसका पोजेशन है। अगर आज आप एडवांस पैसा दे देते हो, जैसे 15 लाख रुपए मैंने आज ही दे दिया या 25 लाख आज दे दिया, 50 लाख जो भी प्रॉपर्टी आपने बाय की, तो टिल पोजेशन 12.5% रिटर्न इसके ऊपर है। 50 लाख रुपए दे दिया, 50,000 रुपए महीने के 36 चेक हम आपको एडवांस दे देंगे जब तक बिल्डिंग बन के कंप्लीट हो रही है, उसके बाद आपको रेंटल आना शुरू हो जाएगा। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पे आप प्रॉपर्टी भी बना रहे हो और साथ में प्रॉपर्टी के साथ साथ रिटर्न भी बना रहे हो। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये प्रॉपर्टी जो है आने वाले टाइम के अंदर ट्राई सिटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। सो दैट इज देयर, इट इज ए रियली ए आर्किटेक्चरल मार्वल इन द मेकिंग, जिसमें लेफ्ट साइड पे 4-star होटल है 20-story, राइट साइड पे ऑफिसेज हैं, सेंटर में ज्वेलर्स का टावर है, जो गोल आप आइकॉनिक टावर देख रहे हो, दैट इज ज्वेलर्स टावर,
एंड ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे मॉल है, उसके ऊपर फूड कोर्ट्स है, मल्टीप्लेक्स है, इसके अंदर आज ऐसी डेस्टिनेशन होगा कि इसके अंदर अगर आप जाओगे, आपकी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, आप कहते हो आर्किटेक्ट से मिलना है, लॉयर से मिलना है, डॉक्टर से मिलना है, एस्ट्रोलॉजर से मिलना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, टूर एंड ट्रैवल वाले के पास जाना है, कोई शॉपिंग करनी है, कोई मूवी देखनी है, कुछ खाना खाना है, एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट यू हैव, दिस बिल्डिंग विल बी सेल्फ सफिशिएंट टू फीड दैट रिक्वायरमेंट, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, सो दैट इज देयर. सो एंड बिसाइड्स दैट वी आर हैविंग प्रोजेक्ट एट एथेंस, इसके अंदर आप होटल रूम वगैरह सारा कुछ बाय कर सकते हो. This is the project we are coming up, residential project, बड़ी ही prime location, बिल्कुल airport road के ऊपर, देखिए एक मिनट आपने जीरकपुर का flyover आप उतरते हो, flyover उतरने के बाद 200 फुट की रोड निकली है, मैगडी के एफ सी जो वहां बना हुआ है, उस लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट है. ग्रीस की राजधानी है एथेंस, उसकी एलिवेशन और जो सिटी के अंदर जिस तरह की एलिवेशन यूटिलाइज होती है, सेम उसी तरह का आर्किटेक्चर इस बिल्डिंग के अंदर है, जहां पे आप पूरा नाइट के अंदर यू विल हैव ए वंडरफुल व्यू. क्लब फैसिलिटीज 3-स्टार क्लब होगा, 5 इसके अंदर ग्रीन एरियाज होंगे, इसके अलावा सारा आप जो बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस, एनी काइंड ऑफ गेम, नॉर्मली जो जल्दी गेम्स हम प्ले करते हैं, सारी गेम्स की फैसिलिटी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रहेगी. सबसे बड़ी खास बात जीरो रिस्क कैसे है कि आज अगर आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली, टिल पोजेशन आपकी ईएमआई नहीं शुरू होगी. फॉर एग्जांपल सबवेंशन उसको कहते हैं, 50 लाख का फ्लैट है, आपने मात्र उसका 10% दिया, 5 लाख रुपया, 5% आपने उसका ऑलमोस्ट आफ्टर ईयर देना है, 15% पूरा करने के लिए 85% बैंक लोन हो जाएगा. जो 85% बैंक लोन हो जाएगा उसकी ईएमआई हम देंगे गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर टिल द टाइम ऑफ पोजेशन. मीन्स मैंने 50 लाख के फ्लैट में मेरी 7.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, बाकी सारी की सारी जो आपकी ईएमआई होगी टिल पोजेशन, जब तक आपको कीज हैंड ओवर नहीं हो जाएंगी, वो गुप्ता बिल्डर देगा. सो दैट इज एन यूनिक स्कीम विच आई थिंक फॉर एनी वन इट्स ए वंडरफुल प्रोपोजिशन. एंड मोर सो इसके अंदर हम एक और बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर आपने पोजेशन पे फ्लैट नहीं रखना तो कंपनी उसके अंदर एक बाय बैक स्कीम भी लॉन्च कर रही है स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर. बट नॉट टेकिंग मच ऑफ द टाइम, आई वुड लाइक टू ऑल ऑफ यू विजिट द साइट, एंड मोर सो टूडेज इंटरेक्शन आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल इंटरेक्शन, बिकॉज जीएसटी से सारे हिंदुस्तान के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि कई जगह पे होता था कि गडाउन यहाँ पे खोलना है, ऑफिस यहाँ पे खोलना है, टैक्सेशन डिफरेंट होने की वजह से, तो सारे के सारे इश्यूज आज की डेट में रिजोल्व हो जाएंगे. सो नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम, आई विल टेक योर लीव एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टूडे. स्क्वाट करिए, और रंजीत जी, सत श्री अकाल जी, सर सारे ने फोटो मैनू भी आमदन देख पुट्ठा खड़ा रहता है. हाँ जी नेचुरल फोटो खींचेगा बस. ठीक है सर, ठीक है सर, खींचिए बाकी फोटो दिक्कत हो जाएगी वरना यहाँ. ठीक है भाई जी, ठीक है आ जाओ. नहीं ये मीडिया की है ना, पूरी कोशिश करेंगे सर, सीखने से बहुत चलता है, सुनने से बहुत चलता है. आप सभी का हमारे इस ऑर्गेनाइज किया है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, supported by Excise and Taxation Department Chandigarh and PhD Chamber of Commerce and Industry. आपको जान के खुशी होगी कि हमारे समक्ष आज के स्पीकर ऑन जीएसटी, एक्सपर्ट ऑन जीएसटी श्री विमल जैन जी पधार चुके हैं. विमल जैन जी के बारे में थोड़ा तो बताना मुश्किल है, बट संक्षिप्त बताने की कोशिश करता हूँ. लीडिंग सीए ऑफ द कंट्री, यंग एंटरप्राइजिंग, PhD Chamber of Commerce के चेयरमैन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी भी हैं, स्पेशलाइज किया उन्होंने पहले वैट में, अब जीएसटी के अंदर, एंड ही इज बीन ट्रेन टू डू व्हाट ही इज गोना डू, दैट इज एम्पावर अस विद नॉलेज. आज हमें ज्ञान देने आए हैं अबाउट जीएसटी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके प्रोज कॉन्स, और ये वन साइडेड कन्वर्सेशन नहीं होगी. विमल जैन जी ने भी इंसिस्ट किया और व्यापार मंडल के एजेंडा में भी था ये कि ये बोथ साइडेड होगा. सबसे पहले विमल जैन जी अपना प्रेजेंटेशन देंगे,
उस समय आपने कोई प्रश्न नहीं पूछने, आपने अपने प्रश्न नोट डाउन कर लेने अपने दिमाग में, या अगर आपके पास पेपर पैड है उस पर। उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, उसके अंदर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आई एम श्योर विमल जैन जी की प्रेजेंटेशन के बाद 90% प्रश्न जो है खुद ही आंसर हो जाएंगे, पर अगर किसी कारणवश नहीं होते, कोई ट्रेड रिलेटेड है कुछ है, यू वेलकम, आप पक्का पूछिए प्रश्न अपने। आपको बकायदा माइक्स दिए जाएंगे, जैसे पहले भी मैंने रिपीट किया फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव जीएसटी सेमिनार है, बहुत बड़ा मंच है ये, बहुत बड़े स्पीकर हैं, काइंडली उसकी मर्यादा को रखते हुए अपने मोबाइल्स को साइलेंट मोड पे रखें या ऑफ कर दें। कोई अगर कॉल आती है, इमरजेंसी कॉल है, कृपया करके उस कॉल को यहाँ ना ले, ऑडिटोरियम में वर्जित है, बाहर जाइए कॉल लीजिए, ताकि अन्य दूसरा इंसान जो विमल जैन जी को सुन रहा हो डिस्टर्ब ना हो। कुछ ही समय में हम ये प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, जब तक के लिए आप आपको ये जानकारी के लिए खुशी होगी कि आज चंडीगढ़ व्यापार मंडल एक बहुत बड़ा जीएसटी के ऊपर सेमिनार करने जा रहा है। वो जीएसटी जो 1 जुलाई से नरेंद्र मोदी जी इसको चालू कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने चंडीगढ़ व्यापार मंडल को अप्रोच करा कि क्यों ना हम व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म पे हम जीएसटी के सेमिनार कराएं। तो उसमें आज की सबसे बड़ी बात जीएसटी में ये है कि जो हमारे इंटरनेशनल फेम स्पीकर हैं विमल जैन जी, वो आज हमारे जितने भी ट्रेडर्स आए हुए हैं उनको आज संबोधन करेंगे, और उसके बाद हमारे आज क्वेश्चन आंसर भी होंगे। वो पूरी तरीके से जो गाइडलाइंस देंगे हमें कि व्हाट इज़ द जीएसटी, जीएसटी क्या चीज़ है, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे मिलेंगी। और हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो डिप्टी कमिश्नर श्री अजीत बालाजी जोशी हैं, और उसके साथ हमारे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी चेयरमैन वो भी आ रहे हैं, और जो विमल जैन हैं वो आपकी जानकारी के लिए वो टैक्स गुरु तो हैं ही हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेज जो चेयरमैन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हैं, तो ही इज़ अ बिग नॉन पर्सन। तो हमें आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि जितनी हमारे व्यापारी आ रहे हैं, अभी हमने 3 बजे का प्रोग्राम रखा है और हमारा 50% हॉल भर चुका है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोर देन जो हाउसफुल के बाद भी लोग खड़े होंगे, और जितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन जीएसटी के बारे में वो हमें देंगे उससे हमारे व्यापारियों को फायदा होगा। आज जो जीएसटी पे सेमिनार करवाया है आपने, कितना आपको लगता है कि यूजफुल रहते हैं इस तरह सेमिनार? आज ये गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन ऑडिटोरियम में हमारा जो जीएसटी के ऊपर बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, और जिसमें मोर देन 600 जो हमारे व्यापारी लोगों ने यहाँ भाग लिया, और सबसे बड़ी बात जो थी हमारे विमल जैन जी जो टैक्स गुरु हैं और जो चेयरमैन इनडायरेक्ट टैक्सेस पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लोगों को जीएसटी के बारे में बताया कि जीएसटी क्या चीज़ है, कैसे है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, कैसे लगना चाहिए, ये सारी डिटेल उन्होंने हमें बताई, और लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी किए उस पर, और काफ़ी अच्छे लोगों को उससे काफ़ी बेनिफिट मिला आके इस जीएसटी सेमिनार में। आपको लगता है कि जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने वाला है, अभी भी बहुत सारे लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि शुरुआत एक नई शुरुआत है, कितने सालों से पेंडिंग चल रहा है? देखिए चंडीगढ़ व्यापार मंडल जीएसटी का वेलकम कर रहा है, मगर इसमें हम ये जो हमने फील करा है कि जो हमारे ट्रेडर्स को, जो खासकर छोटे व्यापारी हैं, उनको अभी बहुत प्रॉब्लम आएंगी। और अभी रिसेंटली हमारी परसों ही स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अपना मेघराज जी से हमारी मीटिंग हुई चंडीगढ़ व्यापार मंडल की, और हमने उसमें एक ही मुद्दा रखा था, डिमांड रखी थी कि आप तो जीएसटी वन जीएसटी कम, कि हमारे व्यापारियों को हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, एंड ही प्रॉमिस एंड ही एश्योर कि हम पूरा ध्यान रखेंगे व्यापारियों का, कि उनको शुरू में बट नेचुरल है कि इतना समझना जीएसटी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत इनमें प्रॉज एंड कॉन्स भी हो सकते हैं और क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, वो ये सारा कुछ देखते हुए हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि हमारे व्यापारियों के लिए कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए व्यापारियों को। थैंक यू सर।
उनको हमने इन्वाइट किया है, तो विभिन्न मार्केटों से, ऑफिसों से, जगह जगह से, मेरे ख्याल से ट्राई सिटी से भी आज लोग आ रहे हैं यहाँ वो ज्ञान अर्जित सेमिनार। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोगों ने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, पीएसजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर किया है, इनिशिएटेड एंड ऑर्गेनाइज एंड बी कंडक्टेड बाय द चंडीगढ़ व्यापार मंडल। म्यूजिक थोड़ा लगा दीजिए दीपक जी। हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट आशीष, ऑनरेबल डीसी ऑफ चंडीगढ़ श्री अजीत बाल जोशी का हार्दिक अभिनंदन। भाइयों तालियों के साथ इनका स्वागत करिए, जोरदार तालियों के साथ। श्री अजीत बाल जोशी जी का हम चंडीगढ़ व्यापार मंडल की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं सर। ये जो जीएसटी सेमिनार है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की कॉपरेशन, श्री अजीत बालाजी जोशी जी की कॉपरेशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री अजीत बालाजी जोशी जी का। ऑनरेबल जीएसटी सेमिनार चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने इनिशिएट किया, सपोर्टेड बाय चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, पीएसडीएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके अंदर स्पीकर हमारे सीए, लीडिंग सीए ऑफ द कंट्री श्री बिमल जैन जी, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं पीएसडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो अब हमारे चीफ गेस्ट साहब आ गए हैं, इसी के साथ हम जीएसटी सेमिनार की ऑफिशियल प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी प्रथा है, चंडीगढ़ व्यापार मंडल जो रिप्रेजेंट करता है 50,000 ट्रेडर्स को चंडीगढ़ में, 25 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि अभी हमने 25वीं सालगिरह मनाई है। मई 11 को हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया था भव्य, 13 मई को काफी अच्छा हमने अपना एक व्यापारी प्रोग्राम किया था। तो चंडीगढ़ व्यापार मंडल के इस इनिशिएटिव के लिए तालियों के साथ हमारे एनकरेजमेंट करिए भाइयों जो हैं प्रेजेंट है। आप लोग सारे अनेक मार्केटों से ट्रेडर्स, चंडीगढ़ व्यापार के मंडल के मेंबर सारे उपस्थित हैं। सबसे पहले जैसे हमारी प्रथा है, चंडीगढ़ व्यापार मंडल का कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमारी एक व्यापारी वंदना है जो कि हम गाते हैं, और उसके लिए स्थिति हमारी सावधान की होती है। तो कृपया करके आप सब लोगों से निवेदन है, दीपक जी जो साउंड हैंडल कर रहे हैं मेरे इशारे पे, अभी नहीं जब मैं बोलूंगा, जब वंदना चलाएंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन है, ऑनरेबल डीसी अजीत बालाजी जोशी, ऑनरेबल चेयरमैन संजीव सिंह जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट अनिल वोरा जी, अटेंशन स्थिति में सारे आ जाए। दीपक जी फिर वंदना ऑफ व्यापारी। आपको व्यापारी सच है व्यापार हमारा, आद समय से आज तक यही है नारा, हम व्यापारी सच है व्यापार हमारा, आद समय से आज तक यही है नारा। ना किसी से रखते हम वैर विरोध, ना हमें आता है कभी क्रोध, सबसे प्यार वाला हमारा वरतारा, हम व्यापारी सच है व्यापार हमारा, हम व्यापारी सच है व्यापार हमारा, कभी मंदी कभी तेजी पर ना डोले, खरीदे बेचे हमेशा बराबर तोले, तराजू तो है ही इंसाफ का इशारा, हम व्यापारी सच है व्यापार हमारा, देश का भी हमारे मन में है सम्मान, मुसीबत के समय दिल खोल करते दान, जान से अधिक है हमें भारत प्यारा,
हम व्यापारी सच है व्यापार हमारा, हम व्यापारी सच है व्यापार हमारा, हम सोचे सर संसार में अमन रहे, देश देश के फूलों का खिला चमन रहे, दुनिया देखे एकता का जब नजारा, हम व्यापारी सच है व्यापार हमारा, बनाएंगे अब सोने चिड़ी को सोने का बाल, बनाएंगे अब सोने चिड़ी को सोने का बाल, यही मांग करता है समय का समाज, हर युग में चमके भारत का सितारा, हम व्यापारी सच है व्यापार हमारा, हम व्यापारी सच है व्यापार हमारा, सच है व्यापार हमारा, सच है व्यापार हमारा। कौशिक जी का, जिन्होंने बहुत कोऑपरेशन दी और उनकी वजह से भी ये सेमिनार आज हम करने में सक्षम हुए हैं। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम चाहेंगे कि अभिनंदन की प्रक्रिया बुके द्वारा की जाए। सरदार चरणजीत सिंह जी, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन, हमारे प्रेसिडेंट श्री अनिल वोरा जी, सबसे पहले जो है हम चाहेंगे बुके दिया जाए हमारे ऑनरेबल डीसी साहब को, डीसी अजीत जोशी जी को, तालियों के साथ अभिनंदन करिए, इनका हम वेलकम कर रहे हैं। दूसरा आप चाहेंगे रविंद्र कौशिक जी ऑनरेबल एटीसी, उनका भी अभिनंदन करिए, बुके द्वारा। तीसरा हमारे लीडिंग सीईओ ऑफ द कंट्री विमल जैन जी, चेयरमैन इंडायरेक्ट टैक्स कमेटी पीएसजी चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो आज हमारे स्पीकर हैं, जो ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली आए हैं, उनका आप अभिनंदन करते हैं। श्री अनिल वोरा जी, प्रेसिडेंट ऑफ चंडीगढ़ डिपार्टमेंट द्वारा। अगले जो है आर एस सचदेवा जी, क्या उपस्थित है आर एस सचदेवा जी? नहीं, वो आए नहीं है जी, बिल्कुल। अब नेक्स्ट मैं चाहूंगा अजय जगदा जी को भी हम सामान्य वेलकम करें, उनका अभिनंदन करें, जो एडवोकेट, लीडिंग एडवोकेट एंड टैक्स कंसल्टेंट हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन और बुके के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। इस द्वारा जो के लीडिंग टैक्स कंसल्टेंट और एडवोकेट हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे चंडीगढ़ व्यापार मंडल के चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब अनिल वोरा जी, चेयरमैन चरणजीव सिंह जी, ऑनरेबल डीसी को एस्कॉर्ट करके लेके आए यहाँ मंच पे, और अजय जगदा जी भी साथ में आए। फॉर द ऑफ रहा होती है कोई भी शुभ काम करने से पहले हम भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं, अभी देव का आशीर्वाद लेते हैं, तो इस जीएसटी सेमिनार को ऑफिशियली हम ओपन करते हैं। विमल जैन जी सर, आप भी आइए ना प्लीज, सॉरी आप आइए प्लीज। सर आपके बगैर कैसे जो भी प्रशासन पूरा होगा, मेंबर चाहिए, आप ही तो आज ऑफिशियल स्पीकर हमारे ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली हमें जीएसटी का बताने आए हैं। सर्वप्रथम राष्ट्र, तब पश्चात सब कुछ, इसलिए हम चाहेंगे
रिपेयर करके अभी नहीं जब बोलूंगा प्लीज पहले आप कर चुके हैं इसका ढंग से लग गया था पहले अब मैं चाहूंगा आप सब माननीय अतिथि जो आ रखे हैं सब आप VIPs हैं हमारे लिए कृपया करके खड़े हो जाएं अपनी सीटों पे अपने राष्ट्र को इज्जत देने के लिए और सावधान अवस्था में राष्ट्र गान चलाइए प्लीज बिमल जैन नेशनल कोच ऑन जीएसटी श्री रविंदर कौशिक एंड द ग्रेट ऑर्गेनाइजर ऑफ टुडेज प्रोग्राम व्यापार मंडल एंड मिस प्रेसिडेंट मिस्टर वोरा एंड श्री चिरंजीव जी एंड ऑल द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हु आर सिटिंग हियर वी आर ग्रेटफुल बोथ टू द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू द व्यापार मंडल एंड अदर ट्रेडर एसोसिएशन जिन्होंने आज का सारा ये दारोमदार लिया ताकि जीएसटी के बारे में शहर को जानकारी दी जा सके मेरे पास केवल दो मिनट का समय है एक मिनट में मैं आपको जीएसटी ऐप के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन और एक मिनट की प्रेजेंटेशन है तो जो ये ऐप बनाया गया है मैंने पहली बुक नवंबर में लॉन्च की थी और ऐप क्यों बनाया गया बुक क्यों नहीं लॉन्च की गई क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र जी मोदी उनका हर जगह ये था कि लेट्स गो डिजिटल और हम पेपर की जगह डिजिटल में जाएं ट्राई टू यूज द टेक्नोलॉजी तो ये टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐप क्रिएट किया गया और फिर इसके ऐप क्रिएट के अंदर हमने इसको ट्रायल रन किया और स्टूडेंट्स को इनवाइट किया कि वो इसमें आए इसके पांच हिस्से हैं पांच कोर्स हैं जीएसटी एक्ट एंड एफएक्यूज जीएसटी रूल्स जीएसटी फॉर्मेट्स जीएसटी टैक्स रेट्स एंड ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 500 प्लस स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रोल इन किया जो पिछले 10 दिन से इस कोर्स को कर रहे हैं तो ये सवाल ये था कि बिमल जैन जी आज तो आ गए वी आर ग्रेटफुल दैट ही हैज कम डाउन टू चंडीगढ़ ही इज एक्टिंग आल्सो लाइक अ कोच तो हर एक सक्सेसफुल मैच के लिए चाहे क्रिकेट है चाहे हॉकी है वी नीड अ गुड कोच सो फ्रॉम दैट एंगल वी हैव क्रिएटेड दिस ऐप जिसका नाम रखा गया जीएसटी कोच ये आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे जीएसटी कोच जो है उसको सेलेक्ट करेंगे वो 3.92 MB का है ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स के अंदर डाउनलोड हो जाएगा लॉगिन प्रक्रिया जो है वो तकरीबन 15 से 20 सेकंड की है और उसके बाद उसके पांच पोर्शन है एक्ट है रूल्स है रेट्स है और अदर मटेरियल जो मिसलेनियस है सो जैसे ही आप उसमें जाएंगे सारे एक्ट जो है CGST एक्ट UTGST एक्ट कॉम्पनसेशन लॉ IGST एक्ट हरियाणा GST एक्ट हिमाचल GST एक्ट वो सारे इसके अंदर हमने अपलोड कर दिए दे आर अवेलेबल पंजाब का जैसे ही आएगा उसके उसको भी अपलोड कर देंगे और डे टू डे अपलोडिंग मेरा ख्याल है जहां जहां जो जो डाउट्स हैं आज तो बिमल जैन जी ही विल थ्रो द एंटायर नॉलेज आई मीन एट अस
बट इन टाइम्स टू कम फॉर एवरी डे वी नीड अ कोच. सो हमने कोशिश किया कि जीएसटी कोच के थ्रू सबको जानकारी हो. और इसके अंदर खास फीचर यह है, देयर इज वन डिस्कशन फोरम. आप उसको क्वेश्चन डाल देंगे, इट इज अ नॉलेज पोर्टल, जितने यूजर्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को डिस्कस करके आपको रिप्लाई भी दे देंगे. मैं समझता हूँ वील बी एबल टू यू नो हेल्प ऑल द ट्रेडर्स एंड द स्टाफ इन अ सम वे सो दैट जीएसटी को हम फुल फोर्स से 1 जुलाई के साथ एक्सेप्ट कर सके, बिकॉज दिस इज ए इन थिंग एंड इट हैज टू कम 1 जुलाई. सो लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड. आई जस्ट रिक्वेस्ट फॉर 1 मिनट प्रेजेंटेशन ऑफ दिस ऐप. Yeah, this is one thing. Here, this is the GST coach app, and when you enter, you get 5 courses, GST Act FAQs, और ये Act FAQs जो है हिंदी और पंजाबी दोनों लैंग्वेज में है. सो हिंदी पंजाबी दोनों को यूज कर सकते हैं. और बाकी के जो कोर्सेज हैं सारे लॉज सारे रूल्स इसके अंदर है. मेरा ख्याल है इसको यूज करने से फायदा होगा. कोई सुझाव है वो आप कौशिक साहब को दे सकते हैं, मुझे दे सकते हैं. हम कोशिश करेंगे इसको और बेहतर बनाने की, ताकि लोगों को इसकी जानकारी दिन प्रतिदिन बेटर हो सके. थैंक यू वेरी मच फॉर अ पेशेंट हियरिंग. थैंक यू. श्री अजय जग्गा जी का हार्दिक अभिनंदन. ऑल द बेस्ट जी. और इतना अच्छा उन्होंने ऐप लॉन्च किया है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट. एंड आई एम श्योर ये बहुत यूजफुल रहेगा हमारे व्यापारी भाइयों के लिए, ट्रेडर्स के लिए, चंडीगढ़ के और पूरे राष्ट्र के लिए. प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि डीसी साहब इनफैक्ट अभी 2 मिनट लिए गए हैं, तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं. जैसे कि आपको बताया, ये जीएसटी सेमिनार हम लोगों ने चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने इसलिए किया है कि काफी अप्रिहेंशन हैं, क्योंकि नई चीज है, अप्रिहेंशन होना स्वाभाविक है. उन अप्रिहेंशन को दूर करने के लिए राइट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ नॉलेजेबल पर्सन लीडिंग सी ऑफ द कंट्री, चेयरमैन ऑफ द इंटर टैक्स कमेटी ऑफ द पीएचडी चेंबर एंड कमर्स इंडस्ट्री, श्री विमल जैन जी ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली हमने इन्वाइट किए हैं. एंड ये काम हम लोगों ने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, चंडीगढ़ के विद ग्रेट कोऑपरेशन फ्रॉम डीसी साहब कौशिक जी, थैंक्स फॉर दैट जी. बहुत अच्छा उन्होंने कोऑपरेट किया और उनकी वजह से ये आज प्रोग्राम हो पा रहा है. तो जीएसटी के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं? एडवांटेजेस तो है जो बताया जा रहा है कि डेफिनेटली जी. अब डीसी साहब आ गए हैं, इसी के साथ हम चाहेंगे अब ऑनरिंग सेरेमनी की जाए. मोमेंटोस द्वारा हम ऑनर करेंगे. तो सबसे पहले चेयरमैन साहब एंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑनरेबल चेयरमैन प्रेसिडेंट अनिल बोरा जी, मैं चाहूंगा कि डीसी अजीत बालाजी जोशी को सबसे पहले आप ऑनर करें और उनको मोमेंटो पकड़ाएं जी. तालियों के साथ अभिनंदन करिए ऑनरेबल डीसी अजीत बालाजी जोशी, आज के मुख्य अतिथि भी. नेक्स्ट मैं चाहूंगा अब हमारे ऑनरेबल डीसी साहब विद आर चेयरमैन एंड विद आर प्रेसिडेंट ऑफ द चंडीगढ़ व्यापार मंडल वो बाकियों को जो है ट्रॉफीज देके ऑनर करें. अब मैं नेक्स्ट चाहूंगा रविंदर कौशिक जी एटीसी चंडीगढ़, उनको मोमेंटो के साथ ऑनर किया जाए. तालियों के साथ रविंदर कौशिक जी का अभिनंदन. अगला मैं चाहूंगा हमारे सीए चेयरमैन इंडायरेक्ट टैक्स कमेटी ऑफ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स और आज के स्पीकर माननीय बिमल जैन जी, उनको सम्मानित किया जाए बाय प्रेजेंटिंग अ मोमेंटो फ्रॉम द चंडीगढ़ डिपार्टमेंट साइड. तो तालियों के साथ भाइयों, कोताही मत करिए, तालियों में बहुत पावर होती है, इंकरेजमेंट. अगला मैं चाहूंगा हमारे अजय जग्गा जी लीडिंग टैक्स कंसल्टेंट एडवोकेट, वो मंच पे आए और अपना मोमेंटो हमारे चंडीगढ़ व्यापार मंडल की तरफ से ग्रहण करें. तो तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन, उनका भी स्वागत. जी अब मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल डीसी साहब और बाकी माननीय डिग्नेटरीज को ऑनरेबल चेयरमैन कृपया करके वापस उनकी सीटों तक ले जाएं. और मैं चाहूंगा कि आज हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री अनिल वोरा जी हमें संबोधित करें इस जीएसटी सेमिनार में और आपको वेलकम करें. तो तालियों के साथ वेलकम करिए श्री अनिल वोरा जी का, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ चंडीगढ़ डिपार्टमेंट.
sitting on the dais, our today's chief guest, Shree Ajit Balaji Joshi, Deputy Commissioner, Duty Chandigarh, aur unke saath Assistant Excise and Taxes Commissioner, Ravinder Kaushik Ji, Bimal Jain Ji, jo humare tax guru hain, aur chairman hain, PhD, Indirect Tax Chamber of Commerce and Industry, Ajay Jagga Ji, mere colleague, mere chairman, Sardar Charanjiv Singh Ji, Parshottam Mahajan Ji, aur mere sare advisors, jo saamne baithe hain, aur different market se aaye hue mere vapari bhaiyo, aur yahan bahut khushi ho rahi hai ki yahan CSB Chartered Accountant Association ke bhi kaafi hain, aur jo advocates bhi bahut aaye hue hain jo sales tax ko deal karte hain. Main aaj sabhi ka GST seminar mein welcome karta hu. Main aapke beech mein ab zyada time nahi lena chahta, क्योंकि आगे ही हम थोड़ा अपने प्रोग्राम से 20-25 मिनट लेट चल रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है आपको हमारे आशीष दुग्गल जी जो जनरल सेक्रेटरी एडमिन है वो संभाल रहे हैं, कि ये एक जॉइंटली प्रोग्राम किया गया चंडीगढ़ व्यापार मंडल और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और बहुत अच्छा लगा. आज जो जीएसटी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी 1 जुलाई से इसको लगाने जा रहे हैं, आज इट्स ए नीड ऑफ आवर्स. ये जो जीएसटी सेमिनार है ये हम सब के लिए, इसमें कोई चंडीगढ़ व्यापार मंडल की कोई इंडिविजुअली कोई बेनिफिट नहीं है. ये जो सेमिनार रखा गया ये सिर्फ हमें कि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो और भी हमारे सीएस हैं, जहाँ उनको तो वैसे ही काफ़ी नॉलेज होती है इनकी, बट जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनको हमारी, आज जो हमारे बिमल जैन जी आए हैं हमारी एक रिक्वेस्ट पे दिल्ली से चल के हमारे लिए, आज हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम उनको आज सुनेंगे और उसके बाद हमारे आज क्वेश्चन आंसर होंगे. मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जो चेयरमैन रामकरण गुप्ता जी हैं वैट कमेटी के, वो भी काफ़ी उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और इसके अलावा भी अगर कोई हमारे मेंबर्स में से कोई भी अगर अपने कोई सजेशन या सुझाव कोई क्वेरीज है वो प्लीज़ हाथ खड़ा करेगा, ताकि हम प्रॉपर तरीके से, कोई हॉट पॉट नहीं होनी चाहिए, कि हम प्रॉपर तरीके से माइक उसके पास पहुंचाएं, ताकि वो अपना जो क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम जब होगा तो अपना उसको मीट कर सकता है. सो मैं ज़्यादा ना आपके बीच में रहता होगा, बहुत जल्दी हम आप हमारे जो टैक्स गुरु हैं बिमल जैन के, वो आपके सामने लाना चाहता हूँ. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पंजाब कमेटी के जो चेयरमैन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो किसी वजह से आई थिंक नहीं आए मैम, तो उनका भी मोमेंटो पड़ा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जाति बार आप जरूर ले जाना. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. अब ज़्यादा प्रोग्राम को और हम डिले नहीं करेंगे, जिसके लिए हम सारे वेट कर रहे हैं वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई. मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा ऑनरेबल सीए, लीडिंग सीए ऑफ द कंट्री श्री विमल जैन जी, जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन भी हैं, डायरेक्टर टैक्स कमेटी के. तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ भाई उनका अभिनंदन करिए, आके ये प्रेजेंटेशन दें. अपने प्रेजेंटेशन देने के बाद जैसे आपको बोला, प्रेजेंटेशन के समय कृपया करके सारे मोबाइल्स ऑफ कर दीजिए या साइलेंट पे कर दीजिए. कोई मोबाइल कॉल आता है इमरजेंसी वाला, ऑडिटोरियम के बाहर जाइए, कॉल लीजिए. कृपया करके दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि जो ये आज ज्ञान बांटने वाले हैं वापस मिलेगा नहीं, तो जोड़ लीजिए इसको, बटोर लीजिए. तो विमल जैन जी आइए. Respected DC Shree Balaji, Shree Kaushik Ji, Bepar Mandal ke Chairman Sahab, Secretary Sahab, Senior Members, और Bepar Mandal बिना व्यापारियों के नहीं हो सकता, तो सारे व्यापारी भाई, Good afternoon to all of you.
सर गुड आफ्टरनून। देखिए जब तक बाजार में आवाज ना आए तब तक बाजार नहीं खुला है, और जब तक आप बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे जीएसटी समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं एक घंटा जीएसटी को बड़ा सिंपलिस्टिक वे में समझाने की कोशिश करूंगा। आपको यह बताऊंगा जीएसटी में ऐसा होने क्या वाला है जिसको लेके इतना वाइब्रेशन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और देश में अब जहां भी जाइए जीएसटी की चर्चा है। आप रेस्टोरेंट में शाम को खाना खाने जाइए वहां भी कोई ना कोई लोग जीएसटी पे बात करते हुए मिल जाएंगे, और उनसे पूछ लीजिए जीएसटी का मतलब क्या है तो वो ये कहेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और बोलेंगे इसके आगे कुछ मत पूछना। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके आगे कुछ मत पूछना। और ये लगने वाला हम सबके ऊपर, जितनी एसएमई एमएसएमई सेक्टर है उन सबके ऊपर लगने वाला। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सब जानना चाहते हैं, सब बैठे हुए हैं, आज 12th ऑफ जून है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में आता है जीएसटी 1 जुलाई को आ रहा है, एम आई राइट? ये क्वेश्चन है ना? आप में से सर मोबाइल के लिए मेरी भी रिक्वेस्ट होगी कि मोबाइल को आप साइलेंट मोड पे डाल दें, एक घंटा आप जरूर मुझे दें। 1 जुलाई को आ रहा है नहीं आ रहा है इस पे मैं कुछ मिनट के लिए चर्चा करना चाहूंगा। अभी भी आप व्यापारी भाई से पूछे तो कुछ व्यापारी भाई ये बोलेंगे अरे यार नहीं आने वाला, मुझे मालूम ही नहीं है जीएसटी लगेगा कैसे क्या होगा। तो ये जो दर्द है और जो कह रहे हैं नहीं आने वाला, मैं दोनों बातों को आपके सामने रखता हूं, फिर हम तय करेंगे 1 जुलाई को आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले मैं आर्गुमेंट देता हूं 1 जुलाई को क्यों नहीं आ सकता, 1 जुलाई को नहीं आने के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए आपको मालूम है जीएसटी काउंसिल जो बनी है, जीएसटी काउंसिल है क्या? इस हेडेड बाय चेयरमैन ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली, और सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं। ये रिपीटेडली मीटिंग कर रही है और जीएसटी लॉ प्रावधान को फाइनल कर रही है कि जीएसटी लॉ क्या रहेगा, रेट क्या रहेंगे, एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी, सब तय कर रहे हैं। अभी भी जिस कल 11th ऑफ जून एक मीटिंग होके खत्म हुई जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी, अब 17th आपकी 18 जून को तय की गई है और 1 जुलाई को जीएसटी आने वाला। 18 जून को ये बैठ के ये डिसाइड करने वाले हैं कि वे बिल लगेगा या नहीं लगेगा। वे बिल, अब वे बिल की जरूरत है जीएसटी में? अगर वे बिल जीएसटी में लाना चाहते हैं तो फिर वो सीमलेस मूवमेंट कहां से चलेगा। 18 जून को और भी तय होना है कि एडजुडिकेशन असेसमेंट के लिए रूल्स जो हैं वो अभी फाइनल नहीं हुए हैं, वो फाइनल होने वाले हैं। और कल जो मीटिंग हुई थी मैं आपको बताऊं, जीएसटी में 4 रेट है, 5%, 12%, 18% और 28%। 18th ऑफ मे को इनने गुड्स के ऊपर चारों क्लासिफिकेशन तय किए थे, और कल जो मीटिंग हुई उसमें 66 प्रोडक्ट के ऊपर, गुड्स के ऊपर जीएसटी रेट में बदलाव किया गया। 18 मई को फाइनल हुआ और 11 जून को बदलाव किया गया। और अभी ऐसे रिप्रेजेंटेशन और भी पड़े हुए हैं जीएसटी काउंसिल के पास, और मैं आपको बताऊंगा कैसी परिस्थिति है। इवन मिल्क को 7 क्लासिफिकेशन में डाला गया है, और वो चारों रेट में आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, 12 में भी आ सकता है, 18 में भी आ सकता है, 28 में भी आ सकता है। अब आप सोचिए अगर बेचारा एक मिल्क 7 कैटेगरी और चारों रेट लगेंगे तो जो व्यापारी बंधु है वो इसी में फंसे रहेंगे, किसमें फॉल करेगा। अब इस तरह के प्रावधान आ रहे हैं हमारे लिए,
और ये सारी चीजें आगे की ओर बढ़ रही हैं। चलिए ये तो एक पहला पॉइंट हुआ कि भी सारी चीज फाइनल नहीं हो पा रही है, बट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट है इवन पंजाब, उनने अभी तक मॉडल एसजीएसटी लॉ पास नहीं किया। जीएसटी तो तभी आएगा जब सारे स्टेट जीएसटी लॉ पास करेंगे। मैंने पंजाब की बात इसलिए आपके सामने रखी कि पंजाब आपका नेबरिंग, हमारा नेबरिंग स्टेट है, अभी तक उसने मॉडल एसजीएसटी लॉ पास नहीं किया। पंजाबी नहीं, आप कलकत्ता चले जाइए, वेस्ट बंगाल, ममता जी उनने भी नहीं किया, कर्नाटका चले जाइए उनने भी नहीं किया, केरला चले जाइए उनने भी नहीं किया, और 1 जुलाई को जीएसटी आने वाला है। मैं अभी ना के मैं रीजन दे रहा हूं क्यों नहीं आ सकता। तीसरा रीजन, जीएसटी जब आएगा तो ये कह रहे कॉमन पोर्टल आएगा, जीएसटी नेटवर्क। जग्गा साहब ने एक ऐप डेवलप कर दिया है और उन्हें कहा इस ऐप में आप जाइए, ऐप में बहुत सी सुविधाएं हैं। मैं व्यापारी हूं, मैं भी समझना चाहता हूं कि जब जीएसटी आएगा तो ये किस कॉमन पोर्टल की बात कर रहे हैं जिसपे मेरी इनवॉइस के डेटा चढ़ेंगे, सारा ऑटोमाइज हो जाएगा। इस पोर्टल को किसी ने अभी तक नहीं देखा, किसी ने अभी तक, और किसी के पास ये जानकारी भी नहीं है कि ये पोर्टल चलेगा। आज देखिए अगर कोई वेबसाइट पे आप जाइए, किसी भी वेबसाइट पे किसी भी स्टेट की या सर्विस टैक्स की साइट पे जाइए, मैं भी थोड़ा क्रिटिक्स हूं बट मैं रीजन रियलिस्टिक बता रहा हूं आपको, जब लास्ट डेट रिटर्न फाइलिंग की आती है तो ऑलवेज आपको लगता है सर्वर इज डाउन, वेबसाइट इज नॉट वर्किंग। जब एक स्टेट की वेबसाइट वर्क नहीं कर रही तो नेशनल प्लेटफॉर्म पे जो वेबसाइट चलने वाली है उसके दर्शन अभी तक किसी को नहीं हुए, आने वाला 1 जुलाई को। अच्छा, ये तीसरा बताया। चौथा रीजन बताता हूं सर, ये जीएसटी क्या सिर्फ उनके घर में आएगा या बाहर में भी आएगा? हमें भी तो बताओ जीएसटी में क्या बदलाव आने वाला है। व्यापारी जानना चाहता है सर मुझे फायदा होगा या व्यापारी से ज्यादा आम आदमी, अरविंद केजरीवाल जी नहीं, आम आदमी बोलते ही आप कंफ्यूज हो जाए। आम आदमी भी जानना चाहता है कि मेरे प्राइसेस बढ़ेंगे या इसका आंसर कौन देगा? अच्छा, मैं दूंगा। मतलब जितनी समस्या की चले आप मेरे कोई इशू नहीं, मिलके करेंगे। तभी तो कहते हैं सबका साथ, मैं बीजेपी की तरफ से नहीं हूं, ये आप कह रहे हैं। तो ये तो मैंने रीजन बताए कि ये कुछ रीजन है जो मुझे लगता है 1 जुलाई की ओर हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, आप ही तय कीजिए 1 जुलाई की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। एसएमई एमएसएमई सेक्टर को मालूम ही नहीं है कि जीएसटी में कब सीजीएसटी लगेगा, कब एसजीएसटी लगेगा, कब आईजीएसटी लगेगा, कब यूटीजीएसटी लगेगा, उसे नहीं मालूम। उसे तो वैट मालूम है, वैट लगता है या वैट नहीं लगता। तो मैंने रीजन बताए 1 जुलाई क्यों टफ टारगेट है, बट मैं अप्रिशिएट करूंगा डिपार्टमेंट की, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की मैं जरूर अप्रिशिएशन करूंगा, एटलीस्ट इनिशिएटिव। व्यापार एसएमई और एमएसएमई सेक्टर व्यापारी को बुला के आज ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जीएसटी में क्या बदलाव आने वाला है। तो ये तो मैंने रीजन बताए 1 जुलाई टफ क्यों है, और अब मैं बताऊं 1 जुलाई क्यों हो सकता है, क्यों 1 जुलाई को आ जाएगा। भाइयों बहनों, अगर उनने सोच लिया मित्रों, अगर उनने सोच लिया तो मौका भी नहीं दिया जाएगा, और हमारे 1,000 और 500 के नोट जैसे गए थे जीएसटी आधी रात को आ जाए।
लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं I'm really admirer of, I'm really appreciating this leader of this country. I really salute him. First time I've ever seen in my life, I'm saying ever seen in my life, someone leading country like a king. And he's really doing like that. I know sometimes decisions are very hard. अच्छा थोड़ा मैं इंग्लिश बोल दूँ तो बुरा नहीं मानिएगा, मुझे बोल दिया गया हिंदी में ज्यादा बोलना। इंग्लिश कई बार बीच में निकल जाए तो माफी, खिचड़ी भाषा चलेगी सर, खिचड़ी नहीं, जीएसटी में पहली बार ऐसा होगा हिंदी चीनी भाई भाई जो आज तक नहीं हुआ। आप पंजाबी हैं, पंजाब में रहते हैं, आपने कभी मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं यहाँ के बिजनेस कर सकूं, पर जीएसटी में आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, आप जस्ट मेरे साथ चलिए। 1 जुलाई को क्यों आ सकता है, 1 जुलाई को आने के रीजन क्या हो सकते हैं? अगर गवर्नमेंट ने यह सोचा कि ठीक है यार ये नेटवर्क जग्गा साहब ने तो ऐप बना दिया, आपने मोबाइल पे भी देखा होगा कि मोबाइल पे हर 10 दिन में आपके पास आता है सॉफ्टवेयर अपडेट, अपडेट कर लीजिए, और वो आपको बोलता रहता है अपडेट कर लीजिए, तो वो कहेंगे ठीक है यार बिमल क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है 3 महीने के लिए हम रिलैक्स कर देंगे, हम बोलेंगे कोई इनवॉइस अपलोड नहीं करनी, रिटर्न भी क्वार्टरली भर लो। 3 महीने क्यों, जो एसएमई एमएसएमई सेक्टर होगा उनको बोल देंगे 1 साल तक तो आप जीएसटी में ऐसे जो करना है कीजिए, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, तब तो वो आ जाएंगे, पैसे तो नहीं आएंगे घर से चल के। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि अब चालू हो गया, और विश्वास मानिए अगर 8 नवंबर 2016 को 8 बजे पे अगर मोदी जी टीवी पे आके नहीं बोलते कि 500,000 रुपए के नोट गए, तो हमने तो बहुत उठा रखे थे राइट, अब डर लगता है 2000 के रखे भी या ना रखे, 2000 के रखे भी या ना रखे। तो मैं आपको बताऊं सर, मुझे लग रहा है जीएसटी 1 जुलाई को आ रहा है। गवर्नमेंट क्या करने वाली है, गवर्नमेंट में अकेले सिर्फ रूलिंग पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, इवन जीएसटी काउंसिल जिसमें बीजेपी रूल स्टेट एंड नॉन बीजेपी रूल स्टेट, इन लोगों ने प्रिंसिपल ये तय कर लिया है कि जीएसटी। लेकिन कुछ राइडर हैं अमित मित्रा जी लाइक वेस्ट बंगाल फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने वोकली कह दिया कि हम जीएसटी के फेवर में नहीं है, ये लॉ हमारी समझ में नहीं आ रहा, पर जीएसटी काउंसिल के पार्ट है, तो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। मनीष सिसोदिया जी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, पहले आप मुझे कोई ये ना समझिएगा कि मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूं, मैं अभी आपको टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मनीष सिसोदिया जी जीएसटी बिल पास कर देते हैं लोकल असेंबली में, पर कहते हैं रेट बहुत हाई है, तो बिल क्यों पास कर दिया? तो जीएसटी काउंसिल में इन्हें जो भी डिसाइड कर लिया ये बैकआउट नहीं कर सकते। जीएसटी काउंसिल कैसे बनी है, 1/3 मेजोरिटी 1/3 वेटेज जो होता है वो सेंटर के पास है और 2/3 स्टेट के पास है, सारे स्टेट मिला के, एंड दे आर डिसाइडिंग ऑल द सब्जेक्ट मैटर बाय 3/4 मेजोरिटी, यानी कोई इन आइसोलेशन कोई चीज डिसाइड नहीं कर सकता, यानी ये तय करके ही आगे बढ़ रहे हैं। अब इनकी पॉलिटिक्स है कि बीजेपी कांग्रेस को देगी और कांग्रेस बीजेपी, इस हम सैंडविच नहीं बनना चाहते, हमें तो जीएसटी कोई समझा दे कि हमारा फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो मुझे लग रहा है 1 जुलाई से पक्का आ रहा है सर, मुझे लग रहा है आज की डेट में। अगर कुछ होता तो मैं आपको बताऊं, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने 6 जून को रिव्यू किया था कि जीएसटी नेटवर्क कितना डेवलप हो गया, कल भी मीटिंग हो गई, कल भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि जीएसटी नहीं आ रहा, बल्कि अरुण जेटली जी ने यह कहा कि अभी भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन अब मैं उनसे यही कह सकता हूं भाइयों तैयार हो जाइए, 1 जुलाई से आने वाला है। सो मित्रों विदाउट एनी फर्दर डिले अब हमें जीएसटी सीखना पड़ेगा। अब जब मैं व्यापारी मंडल की बात करता हूं तो व्यापारी मंडल ये बोलता है कि सर मैं बिजनेस करूं या जीएसटी सीखूं, एम आई राइट, यही बोलता है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं व्यापार करने में और व्यापार
होने में दोनों में टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हम लोग यूज टू थे वैट एंड सीएसटी से, वैट कब लगेगा और सीएसटी कब लगेगा, और हमारी टिप्स पे होता था कि कब वैट पे माल परचेज करना है और कब सीएसटी पे माल परचेज करना है. यूज टू थे, अकाउंटेंट को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी. विश्वास मानिए, जब तक आप जीएसटी को भी थोड़ा बहुत नहीं सीखेंगे तब तक आप बिजनेस को भी ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो यह हमारे लिए जरूरी है कि हम पूरा ना सीखे. जग्गा साहब ने पूरा ऐप दिया है आपके लिए, उतना ना सीखे बट इतना तो सीख ले कि मुझे माल कैसे बेचना है और माल पे मुझे टैक्स कैसे लगाना है. एम आई राइट? सर आवाज आपकी नहीं आ रही. आप लोग मुझसे बात करेंगे एकदम, इसलिए कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है. मुझसे आशीष जी ने कहा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी क्या, पहले मैंने सोचा हाँ दे देता हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन समझते हैं वो सारी इंग्लिश में आती है. फिर मैंने सोचा मैं जा तो रहा हूं व्यापारी मंडल के लिए, तो मुझे सीधे मोदी जी याद आए. मैंने कहा मोदी जी किधर जाना है, राहुल गांधी किधर जाऊंगा, कुछ नहीं खाने. मुझे सॉरी मैं लाइट मैं फिर बोल रहा हूं, कोई मुझे मालूम पड़ा मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हुई, वही पकड़ लिया बात. तुम ले इधर आ, इधर आ. सर मुझे आपको समझाना है राइट. तो देखिए मैं तीन टॉपिक आपके सामने करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा जीएसटी में ऐसा क्या बदलाव आने वाला है और आपको व्यापारी को फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला. सर सर व्यापारी को फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला. तो पहला हम करेंगे हमें जीएसटी क्यों चाहिए. पहले आपके मन में भी आता होगा और आप भी जानना चाहते होंगे. और होता ऐसा घर पे जाइए मैडम पहले ही पूछना स्टार्ट करती है रोज टीवी पे जीएसटी. मेरी मैडम तो रोज पकड़ती है मुझे, बोले रोज टीवी पे जीएसटी आता है और रोज आप जीएसटी के नाम पे घर से बाहर चले जाते हो, रात रात घर आपका पता नहीं रहता, ये जीएसटी में है क्या, मुझे भी समझाओ. मेरे लिए दाल के दाम, चावल के दाम, गेहूं के दाम कम होंगे, मेरे कपड़े के दाम कम होंगे या दाम बढ़ेंगे. विश्वास मानिए जब कोई भी कंज्यूमर ये क्वेश्चन करता है और उसका आंसर मुझे निकालना है, अगर मुझे आंसर समझ में आ गया तो समझ जाइए जीएसटी मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया. तो पहले मैंने वाई का आंसर देना है, हमें जीएसटी क्यों चाहिए, जीएसटी हमारे लिए क्यों अच्छा है. देखिए आज अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स देखें तो सबसे पहले देखिए दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है. डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स लगता है हमारे ऊपर राइट, हमारी सैलरी के ऊपर, हमारी बिजनेस इनकम के ऊपर. इनकम टैक्स एज इट इज चलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है. तो पहले आप अपना तय कर लीजिए इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज चलेगा आपका. बदलाव है इनडायरेक्ट टैक्सेस में. किसमें है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में. इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी देखिए हमारी दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल अभी मोदी जी के पास है और स्टेट पंजाब की बात करें तो कांग्रेस के पास है. एम आई राइट? और चंडीगढ़ की बात करें तो यूनियन टेरिटरी है जो फेडरल फेडरल गवर्न करती है. एम आई राइट? तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स देखें तो इसमें सेंट्रल टैक्सेस भी है और स्टेट टैक्सेस भी है. आप जो माल बेचते हैं उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है पर आप लिस्ट बॉर्डर्ड है, आपको फर्क नहीं पड़ता. पर जब आपके पास माल आया तो मैन्युफैक्चरर से आया है और मैन्युफैक्चरर ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई है उसके ऊपर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग गई. सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स भी लगाती है. जो आपने मान लीजिए दुकान अगर किराए पे ली रेंटिंग के ऊपर तो जो लैंडलॉर्ड है वो सर्विस टैक्स चार्ज करता है, कम वैल्यू तो नहीं चार्ज करता, अदरवाइज सर्विस टैक्स का प्रोविजन है. और कई सरचार्ज इन सेस हैं जो सेंट्रल में लगते हैं, लाइक स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, क्लीन एनर्जी सेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस. मैं लिस्ट आपको पूरी बयां कर सकता हूं, इतने सारे सेंट्रल टैक्सेस हैं. जब हम स्टेट टैक्सेस की बात करते हैं, वी गॉट वैल्यू एडेड टैक्स एप्लीकेबल ऑन इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट सेल परचेज.
We got CST applicable on interstate. Luxury tax hotel pe lagta hai. Entertainment tax kis pe lagta hai sir? Cinemas. Entry tax, approx, local body tax, around 17 indirect taxes merging into one basket. And this basket going to be called GST. Yani 17 taxes khatam. Excise khatam, service tax khatam, VAT khatam, CST khatam, luxury tax khatam. Ek hi tax hoga, uska naam hoga? GST. To yani 17 indirect taxes ke jitne bhi compliances hai, wo sare khatam. Ease of business. Aaj mujhe 17 taxes ke compliance karne padte hain. Agar main excise manufacturer cum trader hoon, तो मुझे एक्साइज भी देखना है और वैट भी देखना है, सीएसटी भी देखनी है, एंट्री टैक्स भी देखना है, सारे खत्म. अब मुझे सिर्फ क्या देखना है? जीएसटी. पहला एडवांटेज. मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस विल गो अवे. सेकंड एडवांटेज. देखिए आज के सिस्टम में ना टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाता है, जिसको हम कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस बोलते हैं. अगर आप वैट डीलर हैं तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे, जो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर ने आपको चार्ज की उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलती. आप उसे प्राइसिंग का पार्ट बना देते हैं और उसके ऊपर वैट लगाते हैं. Am I right? यानी वैट एक्साइज ड्यूटी पे लग गया, प्राइसिंग तो कंज्यूमर के लिए बढ़ गई. यही नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं आपको सर्विस टैक्स चार्ज करता हूं और आपको क्रेडिट नहीं. ऐसा भी नहीं, आप जब वैट चार्ज करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो मुझे आपकी वैट की क्रेडिट भी नहीं मिलती, सीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलती, लग्जरी टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती, एंट्री टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती. ये सारे टैक्सेस हमारी प्राइसिंग में जुड़ जाते हैं. जब प्राइसिंग में जुड़ते हैं तो प्राइसिंग बढ़ जाती है. राइट? ये कैस्केडिंग खत्म हो जाएगी, ये टैक्स ऑन टैक्स नहीं रहेगा. जब टैक्स ऑन टैक्स नहीं रहेगा तो मेरी प्राइसिंग डाउन होगी, और प्राइसिंग डाउन होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, जो हमारे ऑनरेबल मोदी साहब और अरुण जेटली जी साहब ने कहा है 2% इंक्रीमेंटल जीडीपी ग्रोथ, 2% इंक्रीमेंटल. जीएसटी आने से हमारे देश में 2% ज्यादा जीडीपी ग्रो करेगा, इसी वजह से करेगा. पर कैसे कैस्केडिंग खत्म होगी मैं आपको बताऊंगा सर, कैसे कैस्केडिंग खत्म होगी मैं आपको बताऊंगा. ये सेकंड एडवांटेज होगा. थर्ड एडवांटेज, आज हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसे कई आइटम है जिस पर डबल टैक्स लगते हैं. डबल टैक्स, सर्विस टैक्स भी लग गया और वैट भी लग गया. सर्विस टैक्स किस पे लगता है दोस्तों? सर सर्विस टैक्स किस पे लगता है? सर्विसेज के ऊपर. और वैट किस पे लगता है? गुड्स के ऊपर. ऐसे भी कई ट्रांजेक्शन है जिसपे वैट भी लग गया और सर्विस टैक्स भी लग गया. बताइए कौन से है आइटम? ओह रेस्टोरेंट. देखिए आम आदमी, हम लोग डाइनिंग बहुत करते हैं, चंडीगढ़ है सर, शनिवार रविवार बिना डाइनिंग के होती नहीं है. नहीं चलिए, मुझे छोड़ना नहीं चाहते. बोले दिल्ली में भी नहीं होती. मैंने कब मना किया? मैंने तो नहीं कहा दिल्ली में नहीं होती. मैंने कभी अच्छा मैं दिल्ली करना, ये लैंग्वेज पे अभी भी झगड़ा कर रहे हैं, ये अभी भी मेरे साथ नहीं होना चाहते. पर कोई दिक्कत नहीं सर, मैं जीएसटी में आपको अपना भाई बना के जाऊंगा. वो तो पहले ही है, मैं आपको बिल्कुल बना के जाऊंगा, आप चिंता ना करें. अभी मैंने स्टार्ट किया है. जब तक मैं जब वापस जाऊंगा तो मैं दोनों चीजें आपको देके जाऊंगा. जीएसटी गुड फॉर द नेशन, गुड फॉर द नेशन. कुछ पेन तो होगा, जब हम आजाद हुए थे तो हमें खून बहाना पड़ा था तब आजाद हुए थे, पर अच्छा हुआ था. लेकिन अब किस लिए हुए थे, क्या आज का दिन उसके लिए वर्थवाइल है, ये तो समय बताएगा. ऐसे ही हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, मिलके करना पड़ेगा, और वो करेंगे, मिलके करेंगे हम. तो अभी ऐसे कई आइटम है जिसपे वैट भी लग गया और सर्विस टैक्स भी लग गया, लाइक एसी रेस्टोरेंट, लाइक सॉफ्टवेयर, लाइक कंस्ट्रक्शन, लाइक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, लाइक राइट टू यूज ऑफ मूवेबल गुड्स. दोनों लग जाते हैं. और दोनों क्यों लगते हैं सर? क्योंकि जो सेंट्रल का प्रोविजन है वो स्टेट नहीं मानता, और जो स्टेट का प्रोविजन है, हम बेचारे आम आदमी हैं, सैंडविच, हम इन दोनों के बीच. अब डेटिंग हो रही है, डेटिंग समझते हैं सर आप?
हाँ या ना? सर बोल दो कब? सर एज बढ़ गई तो डेटिंग थोड़ी खत्म होती है। मैं आज भी आइसक्रीम खाता हूँ जाके रात को। डेटिंग तो हम कर, अच्छा शादी का डेटिंग नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं सर। सेंट्रल और स्टेट की डेटिंग हो रही है। किस नाम पे हो रही है? जीएसटी के नाम पे हो रही है। और सबके पास शादी का कार्ड व्हाट्सएप के जरिए पहुंच चुका है 1 जुलाई। और व्हाट्सएप पे ही आता है तो मैंने आपको इंटीमेट कर दिया, डायरी फ्री रखिएगा अपनी। 1 जुलाई ये डबल टैक्सेस खत्म हो जाएंगे जीएसटी। जीएसटी में ये ट्रांजेक्शन कैन आइदर बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ, ये दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। तो जो एसी रेस्टोरेंट है जिसपे वैट भी लग गया और सर्विस टैक्स भी लग गया, ये सप्लाई ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो जीएसटी ने क्लैरिटी दे दी कि ये गुड्स होंगे और ये सर्विसेज होंगे, तो डबल टैक्स खत्म। डबल टैक्स खत्म हुआ तो मेरी प्राइसिंग ठीक हो गई। तीन चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है जीएसटी का, मैं एनसीआर रीजन से आ रहा हूं सर, दिल्ली से आ रहा हूं। अब मैंने दिल्ली बोल दिया, ठीक है सर। गुड़गांव में हरियाणा वैट के प्रोविजन एप्लीकेबल है और वहां हरियाणवी चलती है और यहां भी पंचकुला में चलती है। गुड़गांव के हरियाणा वैट के प्रोविजन 10 किलोमीटर अवे इज नॉट एप्लीकेबल इन दिल्ली। दिल्ली इज बीइंग गवर्न्ड बाय दिल्ली वैट प्रोविजन। व्हाटएवर दिल्ली वैट प्रोविजन एप्लीकेबल इज नॉट एप्लीकेबल 10 किलोमीटर अवे इन नोएडा। We got state barrier. State wise, we are divided. We are divided on language, religion, race, and caste. Right? क्यों VAT के provision vary करते हैं? Different threshold amount, different criteria to file return, adjudication, assessment. यहां अगर आप department जाएं तो बात करने का तरीका अलग, हरियाणा गुड़गांव जाएं तो बात करने का तरीका अलग, और दिल्ली जाएं तो, केरला जाए तो अलग, और तमिल जाए तो अलग। अब जीएसटी में क्या फायदा होने वाला है? मैं कहता हूं जीएसटी लॉ गोइंग टू बी गीता बाइबल एंड कुरान। पहली बार ऐसा महामंत्र बनेगा सर, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज, रिलीजन, रेस एंड कास्ट, जो दिल्ली में जीएसटी को लॉ होगा, वही आपके चंडीगढ़ में होगा, वही पंचकुला में होगा, वही केरला में होगा, वही तमिलनाडु में होगा, वही तेलंगाना में होगा। पैन इंडिया सेम प्रोविजन, जो आज नहीं है, जो आज नहीं है। आज पंजाब में आप पंजाब वैट देखते हैं, लेकिन दिल्ली में कुछ और होगा। दिल्ली में पंजाब है, व्हाइट गुड्स है, तो एमआरपी बेस्ड टैक्सेशन, सिंगल पॉइंट टैक्सेशन, और कहीं नहीं है। ये सारे सिस्टम खत्म, यानी दिल्ली में जो जीएसटी का प्रोविजन होगा, विश्वास मानिए, द सेम प्रोविजन एप्लीकेबल पैन इंडिया, एंड इन रियलिस्टिक टर्म वी यूनाइटेड टुगेदर एंड वी बिकम इंडिया फर्स्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज। अब मुझे पंजाबी नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं पंजाब में बिजनेस कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अगर दिल्ली का जीएसटी मालूम है तो मुझे, और अगर आपको पंजाब का मालूम है तो आप दिल्ली का कर सकते हैं, तमिल का कर सकते हैं, केरला का कर सकते हैं। अब आपको तमिल भी जानने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम एवर ऐसा लग रहा है कि इंडिया एक दिखेगा, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर पे मैं नहीं बोलना चाहता, 1947 ये अलग स्टोरी है, तो इसको मैं पॉज करता हूं यहां पे, बट होना जरूर वो भी चाहिए। मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा था और मेरा हिस्सा रहेगा। नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम अस। ठीक है, आर्टिकल 370 पता नहीं उस टाइम पे क्यों बना दिया गया, क्या प्रिविलेज दे दिए गए, आई डोंट नो, बट अगर आज मेरे से आप पूछे और हमसे पूछे आप, हम सबसे पूछे आप, वी ऑल आर ऑन सेम वॉइस, मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। Am I right? तो चलिए, जीएसटी लॉ एप्लीकेबल पैन इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो एडवांटेज क्या हुआ? इंडिया बिकम वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन ये एडवांटेज हुआ। तो चार एडवांटेज मैंने आपको गिना दिए। अब इंडिया में किस तरह की जीएसटी लॉ लाने की बात हो रही है? इनका डुअल कॉन्करेंट मॉडल लगेगा, डुअल कॉन्करेंट जीएसटी मॉडल लगेगा। अब ये मॉडल है क्या, कैसे वर्क करेगा,
वो मैं बताता हूं आपको। इन्होंने कहा, बिमल जी, आइदर यू आर सप्लाइंग गुड्स और सप्लाइंग सर्विसेज, आपके ऊपर दोनों गवर्नमेंट टैक्स लगाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स लगाएंगी, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो। तो आप एज ए ट्रेडर व्यापारी आप ये बोलेंगे, सर फिर फायदा क्या हुआ, मैं तो सैंडविच ही रहा। आप तो यही बोलेंगे, मैं तो सैंडविच ही रहा, मुझे फायदा क्या हुआ। बट विश्वास मानिए, इट्स नॉट 100% फुल प्रूफ मॉडल। अच्छा मॉडल वो होता नेशनल जीएसटी, ओनली मोदी जी लिविंग टैक्सेस विथ रेवेन्यू शेयरिंग विद द स्टेट, ये मॉडल सबसे बेस्ट होता। Only Modi ji living taxes with revenue sharing with the state. The best model. This model is followed in Australia and China. China mein national GST hai. But India mein kyon nahi ho sakta? State Mamata di bolti hai, sab kichu diye debo. Modi ji ko sab de denge. Oh, oh. Arun ke ji aur ke mere paas kya rahega? Hatiya hi lagate rahunga. सॉरी मैं लाइटर साइड पे बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट स्टेट वॉन्ट टू हैव देयर ओन ऑटोनॉमी, स्टेट वॉन्ट टू हैव देयर ओन ऑटोनॉमी। वी आर इन टू फेडरल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक कंट्री, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यहां पे हमें स्टेट की भी सुननी पड़ेगी। इसलिए ने ड्यूअल जीएसटी की बात की, और ये मॉडल फॉलो होता है ब्राजील एंड कैनेडा, जिसको इंडिया अडॉप्ट कर रहा है। अब ड्यूअल मॉडल की जब मैंने बात कर ली तो ये लगेगा कैसे, उसको कर लेते हैं। तो व्यापारी के लिए दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं इंपॉर्टेंट, एक को हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं और दूसरे को, यही होते हैं ना सर, आवाज आनी चाहिए सर, यही होते हैं ना। देखिए कई बंदे बैठे हैं और वो आंसर मेरे साथ बोलेंगे तो मुझे लगेगा आप मेरे साथ चल रहे हैं, और मैं आपको बता के जा रहा हूं, आज जितनी भी आधी घंटा पौना घंटा जितना भी आप सुनेंगे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। आप मेरे साथ साउंड कीजिए, मुझे ये लगना चाहिए आप मेरे साथ चल रहे हैं। सो आर वी ओके, परफेक्ट, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। हम पहले इंट्रा स्टेट को करते हैं। मान लीजिए मैं भी पंजाब में हूं, अभी आप चंडीगढ़ की बात नहीं कीजिएगा, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, उसको थोड़ी देर के लिए हम अलग कर देते हैं। मैं भी अमृतसर में हूं और आप भी अमृतसर में हैं, मैं सप्लायर हूं, मैं बेच रहा हूं, सेलर हूं, और आप बायर हैं, आप रिसिपिएंट हैं। आज अगर देखें एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैं क्या करता हूं, 100 रुपए के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाता हूं 12.5%, और ऑन एन एवरेज 14.5% वैट लगाता हूं। ऑन एन एवरेज मैंने इसलिए कहा क्योंकि वैट रेट वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब मान लीजिए माल आपके पास आ गया, आप वैट डीलर हैं पंजाब के अंदर, आपने वैट का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट मिलती है, जोर से मिलती है। दूसरी प्रॉब्लम, वैट इज कैलकुलेटेड इंक्लूसिव ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एम आई राइट, कैस्केडिंग। इस प्रॉब्लम में आज की डेट में हम जी रहे हैं। अब जीएसटी में क्या होगा इंट्रा स्टेट के ऊपर, इंट्रा स्टेट पे कैसे जीएसटी लगेगा, अब देखिए इन्हें क्या कहा। इन्हें कहा, बिमल जी, जब आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे होंगे 100 रुपए, तो आपको सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी एंड एसजीएसटी स्टेट जीएसटी दोनों लगाने पड़ेंगे। क्या इतना समझ में आया सर, लगाना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये आएगा, सर क्या रेट लगेगा, 5 लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा या 28 लगेगा। तो क्लासिफिकेशन की लिस्ट ऑलरेडी आ गई है, उनने बता दिया कि 5 में क्या फॉल करेगा, 12 में क्या फॉल करेगा, 18 में क्या फॉल करेगा और 28 में। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट 18 में फॉल करता है, ज्यूम कर लीजिए, तो मुझे 18% को डिवाइड करना पड़ेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में, एम आई क्लियर, तो 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। मैंने माल लगा के आपको बेच दिया, अमृतसर में मैं हूं, अमृतसर में आप हैं, माल आपके पास आ गया,
आप क्या करेंगे? अब जीएसटी में कुछ रूल है, लॉ है, लॉ बनाए गए हैं और लॉ को हमें कैप्चर करना पड़ेगा। तो अगर आप बिजनेस वर्ग से हैं तो आपको अकाउंट्स के फंडामेंटल डेबिट क्रेडिट मालूम होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट, और कभी भी हमने क्वेश्चन नहीं किया, राइट? सारी बैलेंस शीट उस पर बना देते हैं, सारा ट्रायल बैलेंस बन जाता, लेकिन कभी क्वेश्चन नहीं किया। ऐसे जीएसटी में कुछ फंडामेंटल है जो हमें याद रखने पड़ेंगे। फंडामेंटल वन, आप सीजीएसटी को सीजीएसटी क्रेडिट अकाउंट में ले जाएंगे और एसजीएसटी को आप एसजीएसटी क्रेडिट अकाउंट में ले जाएंगे। ₹9 आप ले गए। अब आप इसी प्रोडक्ट को ₹150 में अमृतसर में बेच रहे हैं, पंजाब में बेच रहे हैं, लुधियाना बेच रहे हैं, जालंधर बेच रहे हैं, ₹150 में बेच रहे हैं, इंटरस्टेट बेच रहे हैं, तो आप फिर ₹150 पे 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, जो ₹13.50, ₹13.50, एम आई राइट? अब आपके पास क्रेडिट है ₹9, एम आई राइट? जीएसटी लॉ क्या कहता है? जीएसटी लॉ कहता है बिमल जी, सीजीएसटी की क्रेडिट आप सीजीएसटी के लिए यूज कर लीजिए, एसजीएसटी की क्रेडिट आप एसजीएसटी के लिए यूज कर लीजिए। यानी आप क्या करेंगे, ₹4.50 सीजीएसटी अकाउंट में जमा कराएंगे और ₹4.50 आप एसजीएसटी अकाउंट में। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स है, ये तो वैल्यू एडेड टैक्स है, राइट? यही कॉन्सेप्ट, और तो कुछ नहीं है। यही जीएसटी में होगा इंटरस्टेट के ऊपर, और कुछ नहीं है। इंट्रास्टेट की ट्रांजेक्शन ऐसे ही टैक्सेबल होगी। एम आई क्लियर टू ऑल? अब मैं आपको क्वेश्चन करूं, अब क्वेश्चन करना चाहूंगा। अब आपसे मैं पूछूं, सर फायदा क्या हुआ बताइए मुझे, क्या फायदा हुआ? पहला फायदा, आपको सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट नहीं मिलती थी जो अब सीजीएसटी बन गया और उसकी क्रेडिट मिल गई, एम आई राइट? क्रेडिट मिल गई, पहला पार्ट। VAT was calculated inclusive of central excise duty, right? But here SGST is not calculated inclusive of CGST. ये भी खत्म। दो फायदे गिनाए मैंने। तीसरा फायदा जो आपने सोचा ही नहीं अभी तक और जो आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा, I'm sure about it. सर नहीं, मैं बताता हूं। आप ट्रेडर हैं, आप ऐसी कई सर्विसेज लेते होंगे जिसपे सर्विस टैक्स लग के आता है आज की रेट में, मोबाइल, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिल, रेंटिंग का बिल, कई चीजों पे सर्विस टैक्स लग के आता है, आपको क्रेडिट नहीं मिलती। अब जीएसटी में सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी लगेगा और उसकी क्रेडिट मुझे ट्रेडर को मिलेगी। सर समझिए आप, जो क्रेडिट आपको नहीं मिलती थी वो भी आपके सीजीएसटी और एसजीएसटी में जाएगी, तो आपको ये भी एडवांटेज हो गया। इन तीन एडवांटेज के बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी इफेक्टिव प्राइसिंग कम होने वाली है। अगर प्राइसिंग कम होगी तो मेरी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा। एडवांटेज फर्स्ट, यानी गुड्स के ऊपर इन्हें एक एरिथमेटिकल इक्वेशन दिया। जब जीएसटी रेट डिसाइड हो रहे थे तो डॉक्टर हसमुख आदिया, रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ कंट्री इंडिया, उन्होंने कहा बिमल जी हम तो ऐसा करेंगे जो आपके अभी एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हम उतने ही ब्रैकेट को उसके नियर बाई ब्रैकेट में डाल देंगे। जैसे कलर टेलीविजन पे 12.5% की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है और 14.5% का वैट लगता है, अराउंड 26% का इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, तो उनने कलर टेलीविजन को 28% पे डाल दिया। तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो गया। अब उनने कहा ये सारे एडवांटेज भी आप ले लो, पहले आपको सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट नहीं मिलती थी अब मिल गई, अब वैट वॉज कैलकुलेटेड इंक्लूसिव ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वो भी नहीं करना पड़ा, थर्ड आपको सर्विस टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती थी अब जीएसटी की सर्विसेज के ऊपर क्रेडिट। तो यानी देखिए अब एडवांटेज हुआ या नहीं हुआ? सर हुआ या नहीं हुआ?
सो जो एडवांटेज हमें आया, ये एडवांटेज हमें पहले नहीं मिलता था। सर 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 आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है ना सर? नहीं, आपके आगे वाली कुर्सी पे, ठीक है ना सर? पक्का? नहीं सर, कई बार क्या होता है, बगल में बात करते हैं, बाकी मिलेगा क्या? नहीं नहीं, मैंने बिमल जी ने तो कह दिया एडवांटेज, पर मिलेगा क्या? सर कई बार क्या होता है, पहले ना सपना देखना पड़ता है और सपने को फिर रियलिटी में बदलना पड़ता है। अब तक हो सकता है आपने सुना हो, नहीं सुना हो, दोनों बातें हो सकती है। मैंने आपको आपके प्लेटर पे लाके दी, ये जीएसटी का फायदा है। चलिए, मैंने इंट्रास्टेट बता दिया। अब सबसे बड़ा फायदा मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है इंटरस्टेट का। मैं जब दिल्ली, मैं दिल्ली से आया हूं, मैं दिल्ली में वापस चला जाता हूं, आप यहीं रहिए। अगर मैं दिल्ली से सप्लाई करता हूं आज की डेट में, तो मैंने 100 रुपए पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई 12.5%, और फिर सीएसटी लगाया, सेंट्रल सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ अगेंस्ट फॉर्म सी, एम आई राइट? अगर आप फॉर्म सी नहीं देंगे देन लोकल डेली वैट रेट एज एप्लीकेबल, एम आई राइट? अब मैं आपसे पूछूं कि आपको सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट मिली? नहीं मिली। आपको सीएसटी की क्रेडिट मिली? नहीं मिली। 14.5%, नॉट ओनली 14.5%, 14.75% इज ए कॉस्ट, बिकॉज सीएसटी कैलकुलेटेड इंक्लूसिव ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एम आई राइट? 14.75% कॉस्ट। आप मुझसे दिल्ली से माल लेना नहीं चाहते, तो मैं क्या करता हूं, मैं लोकल वेयरहाउस बना लेता हूं, स्टॉक ट्रांसफर करता हूं, और फिर यहां से टैक्स इनवॉइस जनरेट करता हूं, एम आई राइट? यही करता हूं ना मैं, पूरे इंडिया में यही बिजनेस चल रहा है, पूरे इंडिया में। जीएसटी लॉ क्या कहता है? एंड ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल सेंटर एंड स्टेट बोथ टुगेदर, नॉट ओनली मोदी जी, टू ऑल सेंटर एंड स्टेट, क्योंकि सारे मिलकर तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बिमल जी, जब भी इंटर स्टेट सप्लाई हो, जब भी इंटर स्टेट सप्लाई हो, तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सेंट्रल लेवी होगी, सम टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। आपको मतलब नहीं है ये तो जो मैंने बताया, आप तो इंटर स्टेट पे क्या लगाएंगे? आईजीएसटी। तो मैं दिल्ली से जब सप्लाई करूंगा तो 18% आईजीएसटी लगा दूंगा। अब मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, इंटर स्टेट पे आईजीएसटी 18% लगा के माल भेज दिया मैंने आपके पास। अब आप क्या करेंगे? मंत्रा नंबर टू, एक मंत्रा मैं इंट्रा स्टेट पे दे चुका हूं, और मंत्रा नंबर टू, आप आईजीएसटी जो मैंने लगाया उसको आप आईजीएसटी क्रेडिट अकाउंट में ले जाएंगे। किसमें ले जाएंगे? तो 18 रुपए आपने आईजीएसटी क्रेडिट में दे लिए। अब मान लीजिए इसी प्रोडक्ट को आप 150 रुपए में विद इन पंजाब बेचते हैं, विद इन पंजाब, तो आपकी आउटपुट लायबिलिटी इंट्रास्टेट की होगी, एम आई राइट? और इंट्रास्टेट पे क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड 13.50 रुपए सीजीएसटी, 13.50 रुपए एसजीएसटी। बट आपके पास क्रेडिट आईजीएसटी की है 18 रुपए की, एम आई राइट? मंत्र नंबर टू, लॉ क्या कहता है? बिमल जी, जो आपके पास आईजीएसटी की क्रेडिट है, दिस कैन बी यूटिलाइज्ड सिक्वेंशियली, फर्स्ट फॉर आईजीएसटी, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी। ये लॉ है सर। आप क्यों नहीं पूछेंगे? व्हाई नहीं पूछेंगे? सिर्फ लॉ को याद रखना है, आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूज सिक्वेंशियली, मतलब इसी ऑर्डर में आपको यूज करना है, पहले आईजीएसटी के लिए, फिर सीजीएसटी के लिए, और फिर इतना याद रहेगा सर? बिल्कुल याद हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम को। मेरे पास 18 रुपए की आईजीएसटी क्रेडिट है, मेरी आउटपुट लायबिलिटी हुई 13.50 रुपए सीजीएसटी और 13.50 रुपए, तो पहले कौन सा यूज करूंगा? सीजीएसटी, एम आई राइट? 18 - 13.50, सीजीएसटी में कुछ जमा नहीं कराना, फिर भी 4.50 रुपए बच गए।
Can I use for Punjab SGST? Answer is yes. 13 rupees 50 paise minus 4 rupees 50 paise. I will only deposit 9 rupees in cash in Punjab SGST account. Am I clear? इतना याद रहेगा. अब ये तो मैंने कर लिया एक बार जब आपने इंटर परचेज किया और इंट्रा सेल किया. उसको रिवर्स कर देता हूं. मान लीजिए आपने इंट्रा परचेज किया. अभी कुछ मंत्र है, तीन मंत्र आपको एकदम याद रखने हैं. तीन मंत्र के बाद पूरी क्लैरिटी हो जाएगी आपको. आपने मान लीजिए लोकल परचेज किया तो आपके पास 9 रुपए सीजीएसटी होंगे और 9 रुपए. अब आप दिल्ली सेल कर रहे हैं, यही हो सकता है और तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता. अब दिल्ली 150 रुपए में आप बेच रहे हैं. जब आप दिल्ली बेच रहे होंगे 150 रुपए पे तो क्या लगाएंगे सर? पक्का कोई डिफरेंट आंसर किसी का हो? क्या लगेगा सर? आईजीएसटी 18% 150 रुपए पे लगाया, 27 रुपए की लायबिलिटी. एम आई राइट? पर आपके पास क्रेडिट खड़ी है 9 रुपए सीजीएसटी और 9 रुपए एसजीएसटी. अब आप पूछेंगे विमल जी से कि विमल जी कैन आई यूज सीजीएसटी क्रेडिट एसजीएसटी क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लायबिलिटी? एम आई राइट? पूछेंगे आप. मंत्र नंबर थ्री ये कहता है, मंत्र नंबर अमेंडमेंट ऑफ मंत्र नंबर वन में मैंने आपको बताया था सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूज फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूज फॉर एसजीएसटी. अमेंडमेंट इतना ही है, सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूज सिक्वेंशियली, फर्स्ट फॉर सीजीएसटी देन आईजीएसटी. Similarly, SGST credit can be used sequentially, first for SGST, then IGST. Only CGST and SGST should not be cross-utilized. याद रहेगा सर? रिपीट करूं फिर से? रिपीट कर दूं? बिल्कुल आपका चेहरा बता रहा. हाँ बिल्कुल सर, व्यापारी समझ जाता है ये माल लेगा या नहीं लेगा. सर मुझे एकदम समझ में आ गया, क्योंकि ठीक है मैंने माल नहीं बेचा लेकिन सर्विस तो बेचता ही हूं. क्लाइंट का चेहरा देख के समझ में आता है ओपिनियन चाहिए या नहीं चाहिए, कि सिर्फ झक मारने आया है. ऐसे बोला झक मारने आया है तो ठीक है, झक नहीं मारना. थर्ड मंत्रा क्या कहता है? थर्ड मंत्रा इज अमेंडमेंट ऑफ मंत्रा नंबर वन. मैंने आपसे क्या कहा था? सीजीएसटी कैन बी यूज फॉर सीजीएसटी, SGST can be used for SGST. यही कहा था ना? मैंने जस्ट बदलाव किया इसमें थोड़ा सा. CGST की credit can be used sequentially, first for CGST, then IGST. यहां भी मैंने यही बदलाव किया. SGST credit can be used sequentially, first for SGST, then IGST. इतना ही किया मैंने. सर समझ में आ गया? एक्सेप्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी को आप क्रॉस यूटिलाइज्ड नहीं करेंगे. तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. आपके पास 9 रुपए की सीजीएसटी क्रेडिट है और 9 रुपए की एसजीएसटी क्रेडिट है, बट आपकी लायबिलिटी है आईजीएसटी 27 रुपीज. एम आई राइट? कैन आई यूज सीजीएसटी क्रेडिट? कर सकता हूं? यस. लाउडर बोलिए यस. 27 माइनस 9 18 रुपए भी और देने हैं. Can I use Punjab SGST credit? Yes. 18 minus 9. I will pay only 9 rupees in cash in IGST account. Am I right? Yes. अब देखिए अब क्या हुआ सिस्टम में. इंटरस्टेट आज अगर आप करें तो 14.75% कॉस्ट. Am I right? पर जीएसटी रजीम में आप दिल्ली से माल लीजिए, मैं आईजीएसटी लगाऊंगा और आईजीएसटी की आपको क्रेडिट मिलेगी. एंड दिस क्रेडिट कैन बी यूज आइदर फॉर योर इंट्रा स्टेट लायबिलिटी और इंटर स्टेट लायबिलिटी. इंडिया बिकम नेशनल मार्केट. अब आपके लिए स्टेट बैरियर नहीं रहा. अब आप दिल्ली से बाई करेंगे. हो सकता था लोकल वाला जो सप्लायर था वो डिक्टेट ही करता था कि 100 रुपए लूंगा, लेना है ले लो आगे चल. अब अगर दिल्ली से मैं 80 रुपए में बेच रहा हूं तो आप मुझसे लेना पसंद करेंगे, क्योंकि पहले तो मैं चार्ज करता था क्रेडिट नहीं मिलती थी. अब आपकी मेरी प्राइसिंग
अगर केरला वाला अगर 70 रुपए में दे रहा होगा ना तो मैं केरला वाले से लूंगा। लैंग्वेज गई 70 रुपए में क्यों लूंगा? क्योंकि मेरे लिए प्राइसिंग टैक्स का तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, टैक्स की क्रेडिट मिल गई। और अब आप सोचिए ऐसी सिचुएशन में अगर होगा तो आप दो ही चीजें फैक्टर इन करेंगे, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक लीड टाइम इन ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने में कितना टाइम लगेगा। अदरवाइज टैक्स की वजह से बिजनेस बंद, अब आप मुझे दिल्ली से नहीं रोक सकते सर, अब मैं आपके मार्केट में आके अब मैं माल बेच के जाऊंगा और आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। सिमिलरली मैं आपको दिल्ली आने से, इंडिया बिकम नेशनल मार्केट। मैं एक एसएमई सेक्टर हूं, मेरा बहुत सपना है कि मैं पैन इंडिया बिजनेस करूं, नहीं कर पाता था। मैं हर स्टेट में जाके वेयर हाउस खोलू, नहीं खोल पाता था, बट अब मुझे खोलने की जरूरत है ही नहीं है। अब मैं दिल्ली से बैठ के पैन इंडिया बिजनेस करूंगा, इंट्रा स्टेट होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी और इंटर स्टेट होगा तो, और पूरी क्रेडिट मिलेगी, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, कैस्केडिंग गॉन, इंडिया बिकम नेशनल मार्केट। एंड यहां से आपको एडवांटेज दूसरा क्या होगा, सर्विस टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती थी राइट, अब ये क्रेडिट, तो यानी ओवरऑल जो गुड्स के डीलर हैं, जो गुड्स में डील करते हैं उनके लिए तो फायदा ही फायदा, बिल्कुल फायदा, विश्वास मानिए। एक्सेप्ट अगर आज आपका रेट, मान लीजिए आपका इनडायरेक्ट टैक्स, आपको कहां पे कंफ्यूजन, मैं आपको बताता हूं आपका कंफ्यूजन कहां पे है। एक कॉस्मेटिक्स के व्यापारी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सर मेरे यहां तो वैट के रेट 12.5-14 के आसपास लगते हैं, अब इन्हें 28% में डाल दिया, मेरे लिए तो रेट बढ़ गए। मैंने कहा सर आपने ना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को तो कंसीडर ही नहीं किया, जो आपकी प्राइसिंग में लगा हुआ है ऑलरेडी, जो आपकी प्राइसिंग में लगा हुआ है। यहां पे कंफ्यूजन है लोगों को, लोगों को जो कंफ्यूजन है वो अपने 12.5 से 28 को कंपेयर कर रहे हैं, जबकि वो भूल जा रहे हैं कि उनकी प्राइसिंग पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है। कंपैरिजन तो दोनों का कीजिए, तब आप बोलिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ। एम आई क्लियर सर, एम आई क्लियर? गुड्स को रियली फायदा होने वाला है। अब मैं एक चीज और बताऊं आपको, मैंने 3 मंत्र आपको दे दिए, चौथा मंत्र मैंने कहा इंट्रा स्टेट पे क्या लगेगा सर, सीजीएसटी एंड और इंटर स्टेट पे जग्गा साहब कोई भी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करेगा। और अगर ये सब सीख गए सर, अगर सब सीख गए तो मेरी दुकान कैसे चलेगी? सर कोई इश्यू नहीं, सबका साथ, पहले हमें देश का विकास करना। इसमें जग्गा साहब का भी इंपॉर्टेंट रोल है, डिपार्टमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है, और हम सबका रोल है, क्योंकि हम सब किसके लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। अपना फायदा हम बाद में देखेंगे, अगर आपको लगे कि फायदा है तो आप ही व्यापार में जाके ये बोलेंगे यार कंफ्यूजन कर रखा है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बिमल जी आए थे बड़ा सिंपल समझा के गए हैं और बहुत मुझे तो फायदा दिख रहा है। अब नुकसान के भी कुछ चीजें बता दूं, क्योंकि खाने में नमक और चीनी का पूरा सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। नमक बताऊं सर मैं आपको, जैसे ही मैंने कहा इंट्रा पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा और इंटर पे आईजीएसटी लगेगा, ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन कब हम ट्रांजेक्शन को इंट्रा बोलेंगे और कब इंटर बोलेंगे ये भी तो समझ में आना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं दिल्ली का डीलर हूं, यहां पे आया मैं लुधियाना में या अमृतसर में आपकी दुकान पे आपकी फैक्ट्री में, और यहां से मैंने माल उठाया, यहीं से माल उठाया, आप बताइए आपकी ट्रांजेक्शन जो आप मुझे बेच रहे हैं वो इंट्रा स्टेट होगी या इंटर स्टेट होगी? इंट्रा या इंटर? अच्छा जैन सर, कुछ यहां चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर भी हैं, उन्होंने कहा सारा इजी सर, लाइटर साइड पे बोल रहा हूं, उन्होंने कहा सारा इतना इजी कैसे दे दिया जाए? अब उन्हें कहा सर ये एक्सवर्क्स है या एफओआर है? आपको मालूम है एक्सवर्क्स एफओआर क्या होता है?
व्यापारी भाई है सर, हमें नहीं मालूम एक्सपर्ट से अप्रूव क्या होता है। मेरे पास तो दो ही ट्रांजेक्शन होती है, या तो तू मेरी दुकान से ले जा, दुकान से लेके जाएगा तो 100 रुपए और घर पे पहुंचाने के 110 रुपए। ऐसे ही करते हैं ना, यही होता और तो कुछ नहीं होता। बोले घर पे पहुंचाने बोलेगा तो 110 रुपए और दुकान पे लेगा तो 100 रुपए। अच्छा दुकान पे ले ली तो इंट्रा होगा या इंटर होगा? अच्छा दुकान पे ले ली तो इंट्रा। अच्छा अब मैं आपको बड़ी अच्छी तरह समझाता हूँ प्रॉपरली, आप 5 मिनट मुझे ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप भी तो परचेज कर रहे हो सकता है आप दिल्ली गए माल लेने के लिए, ये भी तो हो सकता है, राइट? मान लीजिए आप दिल्ली आए हैं परचेज करने के लिए और आपने फैक्ट्री से माल लिया, मेरे फैक्ट्री दिल्ली से, एक्सपेक्ट हो गई 100 रुपए और आप सबने कहा ये इंट्रा ट्रांजेक्शन है, am I right? फिर सोच लीजिए, एक मिनट फिर से बोलता हूं आप सबके लिए, आप लुधियाना से चल के दिल्ली फैक्ट्री में आए, राइट? और आपने मेरी फैक्ट्री से माल लिया एक वक्त दिल्ली, मैंने फैक्ट्री गेट पे आपको माल दे दिया, अब बिमल जैन जीएसटी चार्ज करेगा, राइट? एम आई राइट? नहीं सर। अब आप अच्छा रजिस्ट्रेशन आपका पंजाब का है, अच्छा अच्छा ठीक है, बात सुनिए सर, यही तो समझाना चाह रहा था, ये आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया। अब देखिए जो भाई साहब ने क्वेश्चन रेज किया ना, सर मैं फैक्ट्री पे दूं या घर पे दूं कोई फर्क पड़ा क्या? टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई, फर्क पड़ा क्या इनके हिसाब से? इनके हिसाब से बोला सर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा जीएसटी नंबर तो पंजाब का है, am I right? अब मैं आपको कुछ थंब रूल समझा रहा हूं, थंब रूल, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है, नो डाउट अबाउट इट, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, पर अभी मैं कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं देना चाहता, अभी आपने जो अपने माइंड में सोचा ना, अभी आप उसी को आंसर मान लीजिए कि पंजाब वाले का जीएसटी नंबर होगा, am I right? अब वो मेरे फैक्ट्री से लेके जाए या अपने घर तक पहुंचवाए, मैं क्या चार्ज करूंगा? क्या चार्ज करूंगा? चाहे एक्सबॉक्स हो चाहे एफओआर हो, am I clear? मैं क्या चार्ज करूंगा? आईजीएसटी। अगर गलती से भी मैंने सीजीएसटी और डेली एसजीएसटी चार्ज कर दिया तो आपको क्रेडिट मिलेगी, तो चाहे वो एक्सबॉक्स हो चाहे वो एफओआर हो, आपको उसे बताना ही पड़ेगा, चाहे वो माल लेके जाए चाहे आप माल पहुंचाए, आईजीएसटी लगेगा तभी उसे क्रेडिट, am I clear? सर ये थंब रूल है, लेकिन विश्वास मानिए जो पढ़े लिखे लोगों की कम्युनिटी है ना, जग्गा साहब एग्री करेंगे, वहां पे बड़ी डिबेट चालू है कि किसे एक्सपर्ट्स बोलेंगे और किसे एफओआर बोलेंगे, पर मैंने आपको ऐसे माल नहीं बेचा, उनकी कम्युनिटी में उनके हिसाब से बेचता हूं माल, क्योंकि हर बंदे को 100 रुपए का माल 100 में थोड़ी देना है, वहां 200 में बिकता है पर यहां मैं 90 में भी बेचने को तैयार हूं। This is a thumb rule, you have to keep it to your mind. तो मैंने आपको ये वाला पार्ट भी समझा दिया। अब कुछ पार्ट मैं ऐसे करना चाहता हूं जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके लिए जीएसटी में नए क्या बदलाव हैं जो आज आप नहीं देख पाते। मान लीजिए आज मैं आपको 10 लाख रुपए एडवांस दूं, एडवांस के ऊपर जीएसटी लगता है क्या सर? अच्छा जीएसटी छोड़ देते हैं, एक साइड का वैट लगता है? नहीं। अच्छा नहीं लगता एडवांस के ऊपर? एडवांस पे नहीं लगता? नहीं। अच्छा आफ्टर बिल लगेगा। अच्छा एडवांस के ऊपर ना एक्साइज लगता है ना वैट लगता है, जीएसटी लगेगा? अच्छा एडवांस पे आप बिल काटेंगे? अच्छा तो एडवांस पे तो जीएसटी नहीं लगेगा ना? अच्छा मैं बताऊं सर, मैंने क्या कहा
मैंने आपसे कहा मैं आपको कुछ ऐसे प्रोविजन बताने वाला हूं जो आपने आज नहीं देखे और कल होने वाले हैं, जो एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपने नहीं देखे पर जीएसटी में होने वाले हैं। पहला बदलाव, एडवांस के ऊपर जीएसटी लगेगा, एडवांस के ऊपर जीएसटी लगेगा। अब मान लीजिए मैं सप्लायर हूं, आपने मुझे 10 लाख का एडवांस दिया, आप रिसिपिएंट हैं, सप्लायर ने जीएसटी जमा कराना है, या तो वो आपसे कलेक्ट करे या वो बैक कैलकुलेशन करके जमा कराए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सप्लायर की है, उसे करना ही पड़ेगा, राइट? या तो वो आपसे ले ले या वो बैक कैलकुलेशन करे, 10 लाख को बैक कैलकुलेशन करे और जमा कराए। अब जीएसटी जमा करा दिया हमने, मान लीजिए आज 12 जून को आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए, अब मैंने जीएसटी जमा करा दिया, आप मुझे बताइए आप रिसिपिएंट हैं, आपको जीएसटी की क्रेडिट मिल जाएगी? मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। सर सर सुन तो लीजिए, बड़ी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा मैटर को। मैंने वही कहा, मैं वही मैटर आपको बताऊंगा जो बदलाव है पूरा। यानी उन्हें कहा एडवांस के ऊपर कोई इनवॉइस जनरेट नहीं होगी, इन एडवांस के ऊपर बिमल जैन ने रिसीट वाउचर रेज करना है। अभी नया नाम सर, ये नए नए नाम इन्हें डाल रखे हैं, मैंने नहीं, जीएसटी लॉ ने। रिसीट वाउचर मैं रेज करूंगा और जीएसटी पे करूंगा, और आपको क्रेडिट कब मिलेगी? जब मैं 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब सप्लाई करूंगा तब इनवॉइस जनरेट करूंगा, राइट? तब आपकी जीएसटी लायबिलिटी बनेगी और तब आपको क्रेडिट मिलेगी। फिर आप सोचेंगे सर टैक्स तो मैं एडवांस पे दे चुका, इनवॉइस पे भी जीएसटी लगेगा। सर मेरी सुन लो सर, एडवांस पे भी जीएसटी दे दिया और इनवॉइस पे भी जीएसटी लग गया, ये डबल टैक्स नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे नहीं सर, एडवांस पे दे दिया है तो इनवॉइस पे मैं टैक्स नहीं दूंगा, यही कहेंगे ना? पर सर ये मैनुअली कुछ नहीं होगा, मैनुअली कुछ नहीं होगा, वो एक बड़े बाबा आ रहे हैं जीएसटी नेटवर्क जिस पे सारा काम होने वाला है। अब ये सारा सिस्टम ऑटोमाइज हो जाएगा। आज हम पेपर टैक्सेशन में डील करते हैं, पेपर टैक्सेशन। सुबह सर इकोनॉमिक टाइम्स वाले ने मुझे फोन किया और उनकी ना नव भारत टाइम्स उनका पब्लिश होता है एनसीआर रीजन डेली वगैरह में और इंडिया में, अभी उनके क्वेश्चन आंसर आते हैं तो हम रिप्लाई करते हैं तो वो छापते हैं उस न्यूज़पेपर में। एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन उन्होंने भेजा था कि एक वैट डीलर ने क्वेश्चन किया, जीएसटी में क्या मुझे मैनुअल इनवॉइस या कंप्यूटराइज इनवॉइस क्या रेज करनी है, और ये टैक्स इनवॉइस और डिटेल इनवॉइस भी होती है, सब जीएसटी में होगा या नहीं होगा? ये क्वेश्चन रेज की थी, वो आपसे रिलेटेड भी है। आप टैक्स इनवॉइस भी जनरेट करते हैं और रिटेल इनवॉइस भी जनरेट करते हैं, हमारा राइट? मैनुअल भी फाड़ते हैं और कंप्यूटराइज भी होता है। मैनुअल कंप्यूटराइज पे मैं आता हूं, आपको बताता हूं आपका कच्चा पक्का कितने दिन चलने वाला है। मोदी जी ने कह दिया है भाइयों बहनों छोड़ूंगा नहीं, कच्चा पक्का चलने वाला नहीं है। अब क्या हुआ, जीएसटी लॉ क्या कह रहा है? देखिए जीएसटी लॉ ये कह रहा है कि पहले मैं ये एडवांस को क्लोज करूं फिर मैं इनवॉइस पे आ जाऊंगा, जिससे हम डिस्प्यूट में ना रहें। विमल जैन सप्लायर है तो वो रिसीट वाउचर बनाएगा और रिसीट वाउचर पे जीएसटी जमा कराएगा। कितने परसेंट पे करेगा? अच्छा क्वेश्चन किया है, और 2-3 क्वेश्चन इसमें और हो सकते हैं, कोई सब करेंगे सर, सब करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए जब 10 लाख रुपए एडवांस दिया तब यह तय नहीं था कि आप कौन सा माल उठाएंगे। आपने कहा विमल जी ले लूंगा टॉफी भी ले लूंगा, कॉस्मेटिक्स भी ले लूंगा और ये भी ले लूंगा, और सब अलग अलग रेट के माल है, हो सकता है ना? तो एडवांस तो आपने एडॉक दे दिया मुझे,
कोई रेट तय थोड़ा ही किया कि कौन सा माल उठाऊंगा, और ये भी तय नहीं हुआ कि मैं माल दिल्ली में लूंगा या पंजाब में लूंगा। तो दिक्कत एडवांस के टाइम पे तो नहीं मालूम। तो लॉ ने कहा, विमल जी जब आपको नहीं मालूम हो तो आप 18% का रेट लगाएंगे। एम आई क्लियर? जब आपको नहीं मालूम हो तो आप क्या लगाएंगे? 18%। और जब आपको एडवांस मिले तो आप ऑलवेज आईजीएसटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईजीएसटी लगाएंगे। इन्हें ये फंडामेंटल दे दिया आपको। और अच्छा, आईजीएसटी लगेगा तो आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज, वो तो उन्होंने कह दिया है, पार्ट तो है ही नहीं है, ये वाला पार्ट हो गया। बट बिमल जन रिसीट वाउचर जनरेट करेगा और उसे अपनी सेल रिटर्न, जिसको जीएसटीआर 1 कहा जाता है, उसमें डालना पड़ेगा। टैक्स की लायबिलिटी जनरेट हो गई, मैं जमा करा दूंगा तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। जब मैं टैक्स इनवॉइस जनरेट करूंगा 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, तो जो टैक्स लायबिलिटी आएगी उससे रेफरेंस नंबर को कनेक्ट कर दूंगा। सो टैक्स लायबिलिटी गेट न्यूट्रलाइज्ड विद द टैक्स पेड ऑन एडवांस मनी, यानी टैक्स इनवॉइस पे फिर मुझे जीएसटी देने की जरूरत नहीं। तो ये सारा ऑटोमेटेड होगा। अब एक एक इनवॉइस बैठ के मैं थोड़ी ये सब काम करूंगा, या आप थोड़ी ये सब काम करेंगे, सारा सिस्टम ऑटोमाइज्ड होगा। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन ले लू, इन्हें कहा सर 10 लाख दिए उसके बाद आपका मूल बिड़क गया, बगल वाले दुकानदार के पास पहुंचे, उसने बोला ये तो ज्यादा मांग रहा है, तो फालतू दे के आया पैसे, ये 100 रुपए में तुमने दिए हैं, मैं तो 90 रुपए में दे दूंगा। आपने इमीडिएट तो वापस मांगे नहीं, आपने 15 दिन बाद वापस मांगे, भाईचारा है, चेहरे की वजह से नहीं मांगे। फिर 15 दिन बाद बोले भाई जी चाहिए नहीं, वो माल ही नहीं चाहिए, समझ में नहीं आ रहा, पैसे वापस भेजो। बोल सकते हो आप, ऐसे ही बोलो, ऐसे ही बोलते हैं व्यापारी भाई, ये थोड़ी बोलते नहीं चाहिए भाई जी, नहीं चाहिए कोई है। हाँ, कस्टमर खिसक गया सर, कस्टमर को मत खिसकाओ, वही लक्ष्मी है, उसको मत खिसकाओ, हम खिसक जाएंगे कस्टमर के लिए, कस्टमर ही लक्ष्मी है। व्यापारी के लिए बिना व्यापार के व्यापारी वर्ड इनकम्प्लीट है। अब वो रिफंड की बात कर रहा है, बॉस रिफंड दे दो, वापस दे दो पैसे, वापस दे दो, तो वापस का भी प्रावधान दे दिया इन्हें, इन्हें बोला एक रिफंड वाउचर बनाना पड़ेगा, पहले रिसीट वाउचर अब रिफंड वाउचर। अब रिफंड वाउचर में भी टैक्स लगेगा, या तो अगर मैंने टैक्स आपसे लिया है तो मैं टैक्स वापस करूंगा, और अगर मैंने अपनी पॉकेट से वापस दिया है तो मुझे वापस मिलेगा। तो उन्होंने कहा जो भी रिफंड आपने वापस किया उस पर भी टैक्स लगा दीजिए और पोजीशन को सिमिलर बना दीजिए, यानी जो भी आपने एडवांस पे जीएसटी चार्ज किया वो न्यूट्रलाइज हो गया। एम आई राइट? एम आई राइट? देखिए, पर एक सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट की क्रिटिक्स करना चाहता हूं मैं, अगर आप एडवांस पे जीएसटी मुझसे मांग रहे हैं तो गवर्नमेंट को तो मैंने जीएसटी जमा करा दिया, आप रिसीपिएंट को क्रेडिट क्यों नहीं देते? आप बेनिफिटेड नहीं हो गए? आपने टैक्स का पैसा कलेक्ट कर लिया पर क्रेडिट 3 महीने 4 महीने की क्रेडिट, यानी वो वर्किंग कैपिटल आपने अपने पास रख ली, वो बेचारे रिसीपिएंट को मिलती तो वो यूज करता। ये लॉ है सर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, रिसीपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगी। दूसरा पार्ट सर, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में जब 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ तो मोदी जी ने 1 घंटे जीएसटी के ऊपर बोला था पार्लियामेंट में, 1 घंटे का। मुझे मालूम है आप लोगों को मौका नहीं मिला होगा देखने का, बट हम जीएसटी कर रहे हैं तो हम एक एक लाइन बाय लाइन सारी चीजों पे प्रोग्रेस ध्यान रख रहे हैं। मोदी जी ने 1 घंटे जो जीएसटी के ऊपर कहा, विश्वास मानिए, उन्हें 2-3 बातें पिक की और वो बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उन्हें सबसे पहली बात यह रखी, ये जुगाड़ खत्म, कच्चा पक्का खत्म, और सेंट्रल और स्टेट का रेवेन्यू बढ़ने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने वाला है जीएसटी आने से। कैसे बढ़ेगा मैं आपको बताता हूं। आज हम करते क्या है सर, अब डिपार्टमेंट भी है तो मैं थोड़ा सा चलिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल सिनेरियो पे आ जाता हूं। सबको मालूम है सर होता कैसे, छुपाने का कुछ नहीं है, इंडिया है सब जानता है, इंडिया है सब हमें भी मालूम है और डिपार्टमेंट भी जानता है,
अच्छा ठीक है, अब ये जुगाड़ वाला बात मैं आपको कैसे बताऊं। जैसे देखिए मैंने आपको सप्लाई किया, आज तो मैं इनवॉइस भेजता हूं आपके पास और आप क्रेडिट ले लेते हैं, राइट? माल आया चाहे मैंने नहीं कहा आप ही कह रहे हो डिपार्टमेंट को, मैंने नहीं कहा माल आया चाहे नहीं आया। जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जीएसटी में वो कहते हैं बिमल जी रिसीपिएंट को क्रेडिट मिलनी नहीं है जब तक बिमल जैन बिंग सप्लायर इनवॉइस की डिटेल सिस्टम पे अपलोड नहीं करेगा। यानी अगर बिमल जैन से आपने माल खरीदा है, आपके पास इनवॉइस है, तो भी आपको क्रेडिट तब तक नहीं मिलनी है सर जब तक बिमल जैन उस सेल की इनवॉइस के पर्टिकुलर सिस्टम पे ना चढ़ा दे। तो यानी बिमल जैन ने चढ़ानी ही पड़ेगी तभी वो क्रेडिट आपके पास। तो आप जब भी परचेज करेंगे तो आप बोलेंगे बिमल जी चढ़ाओ, क्रेडिट नहीं आया, चढ़ाओ। और वो है, आप देखिए आप दिल्ली में जाइए 2A 2B परचेज सेल मैच करनी पड़ती है, वो तो ऑफलाइन करनी पड़ती है, पर जीएसटी में सारी ऑनलाइन होनी है, सारा लाइव केस होगा, वहां कोई पोस्टमार्टम नहीं है, वहां सारा ऑनलाइन होगा। तो उन्होंने कहा बिमल जी आपकी जितनी सप्लाई है उसे 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आप फाइनल कीजिए। सो जून की अगर आपको रिटर्न भरनी है तो कब तक फाइनल करनी है? 10 जुलाई तक सेल की। तो मैंने जितना भी सेल किया मैंने 10 तारीख तक फाइनल कर दिया। अब ये क्या होगा, सिस्टम के जरिए ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, सिस्टम के जरिए, आपने कुछ नहीं करना। बैक एंड पे जो जीएसटी एंड बाबा बैठे हैं वो सारा ऑटो पॉपुलेटेड कर देंगे आपके लिए। आप बायर है, वो आपके परचेज बुक में आ जाएगा, आपकी परचेज बुक में दिखेगा हाँ ये मैंने परचेज किए, तो आपको उस पर क्रेडिट दिख रही होगी कि क्रेडिट मुझे मिलने वाली है, am I right? जिसको आप 15 तारीख 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ फाइनल करेंगे, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। यानी आपने परचेज की कोई एंट्री नहीं करनी है, जो आपने सेल किया होगा वो आगे वाले की परचेज बन जाएगी सप्लाई चेन में। am I clear? मैं क्लियर हूं सर? तो यानी सिर्फ सेल चढ़ानी है, परचेज हो सकता है कहीं पे आपकी मेरी डिस्प्यूट हो, आपको मैंने इनवॉइस भी भेजा हो लेकिन मैं इनवॉइस चलाना भूल गया, हो सकता है। तो वो थोड़ी बहुत करेक्शन का उन्हें प्रोसेस ओपन रखा है, एड मोडिफाई डिलीट, वो ऑप्शन उन्हें कर रखा है कि बिमल जी ने माल सप्लाई किया इनवॉइस नहीं चढ़ाई बट आपके पास इनवॉइस है तो आपको क्रेडिट मिलेगी। उन्हें कहा मिल जाएगी, आप चढ़ा दो। जैसे ही आप चढ़ाएंगे और क्रेडिट लेंगे सिस्टम जीएसटी एंड बाबा को समझ में आ जाएगा, अरे आपने क्रेडिट ले ली और बिमल जैन ने आउटपुट लाइबिलिटी नहीं दिखाई है, वो दोनों को प्रेम पत्र भेजेगा डेफिशिएंसी मेमो, बोलेगा भैया आपस में तय कर लो कौन सही है, तुम कहते हो तुमने परचेज किया, ये कहता ही नहीं किसने सेल किया। तो बिमल जैन के पास भी आ गया, तो दोनों को रिकनसाइल करना पड़ेगा। अगर रिकनसाइल नहीं हुआ विद इन 2 मंथ्स तो जो क्रेडिट आपने ली है वो आपकी आउटपुट लायबिलिटी बन जाएगी एंड यू हैव टू पे अलोंग विद इंटरेस्ट। तो यानी सारा सिस्टम के जरिए होगा, तो कच्चा पक्का। अब देखिए एक जगह मैं गया और मुझसे पूछा गया कि बिमल जी जीएसटी में फायदा किसको होने वाला है सबसे ज्यादा फायदा, और मैंने स्टार्ट करने से पहले ही कुछ व्यापारी भाई ने मुझसे बोलना स्टार्ट किया, सर मुझे तो जीएसटी में सबसे ज्यादा फायदा ना बड़ी कंपनियां लार्ज कंपनी उनको दिख रहा है, हमको तो फायदा नजर। सर मैं आपको सच बताऊं, हमें फायदा इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि हम सब मैनुअल ड्रिवन है, हमने कंप्यूटर पे कभी काम नहीं किया, कंप्यूटर के काम भी हमारे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर आते हैं लॉयर आते हैं वो करते हैं। अब हमें कंप्यूटर पे जाना है तो बड़ी दिक्कत हो रखी है मन में, यार होगा कैसे, वो यूजर आईडी पासवर्ड इंटरनेट, राइट? ऐसी दिक्कत हो रही है ना, कि एम आई राइट? यही प्रॉब्लम है ना, एकदम सिमिलर सिचुएशन है सर जब शादी होती है ना, पापा कहते बेटा शादी कर ले, मालूम होता है दिक्कत तो होने वाली है पर फिर भी करते हैं ना, कई खुशी रहते हैं और कई दुखी रहते हैं, खुशी कौन रहते हैं जो आपस में
मिल बांट जाते हैं। जीएसटी भी ऐसे ही है सर, अगर पढ़ाई कर ली समझ लिया तो जीएसटी फायदा है, और नहीं समझे तो जीएसटी, तो समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अब सर थोड़ा मैं लाइटर इसलिए कर देता हूं, अब ये कहीं नहीं लिखा जीएसटी में कि शादी के बाद कहीं ऐसा नहीं हो कल आप जाके बोलने लगे लिखा है शादी के बाद। पहले मालूम देखिए, शादी से पहले ना किसी से बोल बेटा शादी मत कर, वो नहीं सुनेगा, अपना खुद की तो कर ली है मुझसे बना कर रहा है। अब हम अपना एक्सपीरियंस बोलते हैं कि मत कर, उसे समझ में नहीं आता, लेकिन जब खुद कर लेता है तो समझ में आ जाता है। तो लेकिन मैं एक चीज बताऊं, इसके देखने के तरीके हैं, कई बार कोई काम नहीं किया, मैंने तो आपको यह बताने की कोशिश की, आपने कंप्यूटर पे कभी काम नहीं किया तो घबराने से तो कुछ नहीं होने वाला। हमने यथावत देखा है और नॉर्मली देखा है कि हम कंप्यूटर लेवल, हमारे पापा वगैरह होते थे कंप्यूटर लेवल पे नहीं करते थे इतना काम, पर बेटे आज बहुत पढ़े लिखे, और हम भी नहीं चाहते कि मेरा बेटा, हम भी चाहते हैं मेरा बेटा मेरे से डबल निकले और मेरे से ज्यादा लिटरेट हो और कंप्यूटराइज्ड हो। राइट सर, वो दो साल का बच्चा, उसे बस मोबाइल पकड़ा दीजिए, जो एप्लीकेशन आपको नहीं मालूम उसे मान लो। सो डेज आर गोइंग अवे, मैनुअल टू ऑटोमाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, हमें सीखना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। कमिंग टू द लास्ट कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांजिशन प्रोविजन, अब ट्रांजिशन में कई क्वेश्चन है आपके जो मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। पहला क्वेश्चन, माइग्रेशन चल रहा है, राइट माइग्रेशन चल रहा है ना, आप लोगों ने सबने माइग्रेशन करवा लिया, सबने, कोई बंदा जिसने नहीं करवाया हो। सर अभी भी इस ऑडियंस में ऐसे कई लोग हैं जो मोबाइल नहीं छोड़ रहे, मोबाइल पे भी व्हाट्सएप और फेसबुक चल रही है। मैडम आप फेसबुक चला रहे हैं ना, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ऑफिस से कॉल है, बोल दीजिए अभी बिमल जी से जीएसटी पढ़ रही हूं मैं, ठीक है आप मेरे साथ बोल दीजिए, मैं भी नहीं सुनूंगी सर प्लीज, थोड़ा 15-20 मिनट मुझे और दीजिए, 15-20 मिनट्स, हाँ सर मैं, मुझे कंप्लीट कर लीजिए फिर ओपन हाउस करेंगे। अब देखिए माइग्रेशन किसने नहीं कराया, यहाँ ऑडियंस में कोई है जिसने माइग्रेशन नहीं कराया, एक दो डिपार्टमेंट बता देगा माइग्रेशन कितना हो गया, सर कितना माइग्रेशन हो गया है कुछ, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सर, जोरदार होनी चाहिए जोरदार, और बाबा रामदेव तो कहते हैं ताली बजाइए हमारी एनर्जी लेवल बढ़ेगा। अगर 100% हो गया है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये माइग्रेशन है क्या। माइग्रेशन इज व्हाट वी आर मूविंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस टू जीएसटी रेजिम, और ये जरूरी क्यों है कि जीएसटी में आपके सारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास होने चाहिए, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका डीएससी, आपका ई सिग्नेचर, बैंक डिटेल सारे होने, तो उनने जीएसटी आने से पहले सारी तैयारी कर ली है कि 1 जुलाई जब टेक ऑफ करेगा तो हमें घबराने की कोई जरूरत। लेकिन अगर माइग्रेशन नहीं भी किया आपने तो भी लॉ ये कहता है कि 1 जुलाई 2017 को वो हमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, एंड देन दे विल आस्क फॉर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो हमें 3 महीने में जमा करना है। जब 3 महीने में आप जमा कर देंगे तो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंफर्म्ड हो जाएगा, एम आई राइट? अब इसमें कई तरह के क्वेश्चंस हैं। मान लीजिए आपकी 4 दुकानें हैं और वैट में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि 4 दुकानें हैं तो 4 वैट का नंबर नहीं लेना पड़ता, चारों दुकानों को हम एक में मर्ज कर लेते हैं, राइट? पर एक्साइज में बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक्साइज में अगर 4 फैक्ट्री अगर एक स्टेट में है तो मुझे 4 एक्साइज के रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं, फिर मैं क्या 4 माइग्रेशन करूं? सर यू कैन कंसोलिडेट 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट वाइज, लेकिन अगर 4 दुकान 4 स्टेट में है तो आपको 4 रजिस्ट्रेशन। अगर 4 दुकान एक ही स्टेट में है और आपने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया तो एडवांटेज क्या होने वाला है, मैं आपको बताता हूं। स्टॉक ट्रांसफर पे वैट नहीं लगता ना, जीएसटी लगेगा स्टॉक ट्रांसफर पे,
अच्छा लगेगा पक्का यानी अच्छा कुछ कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जो कहती है नहीं लगना चाहिए अब तो लगेगा सर अब लगेगा अगर आपने चार दुकान की सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले ली सेम स्टेट में फिर तो जीएसटी लगेगा एम आई राइट क्योंकि आप डिस्टिंक्ट एंटिटीज बन गए आप क्या बन गए डिस्टिंक्ट एंटिटीज दूसरा क्वेश्चन आएगा किस वैल्यू पे लगेगा माल तो बेचा ही नहीं है माल तो बेचा ही नहीं है किस वैल्यू पे लगेगा बताइए नहीं सर पहले वैल्यू बताइए किस वैल्यू पे लगेगा 18% रेट बता रहे हैं आप वैल्यू बताइए सर जो परचेज कॉस्ट है अब मैं आपको बताता हूं लॉ क्या कहता है यू कैन टेक वैल्यू 90% ऑफ सेल प्राइस ऑफ रिसिपिएंट यूनिट आपने सुना 90% ऑफ सेल प्राइस ऑफ रिसिपिएंट यूनिट जिसको आप भेज रहे हैं उसकी सेल प्राइस का 90% पकड़ लीजिए यानी अगर वो 100 रुपए पे बेच रहा है तो आपके लिए वैल्यू कितनी होगी पहला या तो ये फॉलो कर लीजिए या फिर परचेज कॉस्ट फॉलो कर लीजिए अगर आपका 70 रुपए का परचेज है तो 70 रुपए मान लीजिए पर उससे नीचे एम आई क्लियर ये वैल्यू बता दिया तो मैंने माइग्रेशन से रजिस्ट्रेशन को टच किया रजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेरी सॉल्व कर दिया आपकी अब 1 जुलाई 2017 को आपके पास वैट क्रेडिट खड़ी हुई है राइट स्टॉक भी पड़ा है और वैट क्रेडिट भी खड़ी है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा मुझे वैट क्रेडिट का क्या करना है डिपार्टमेंट मुझे रिफंड देगा एम आई राइट लॉ कहता है आपकी वैट क्रेडिट एसजीएसटी क्रेडिट हो जाएगी क्या हो जाएगी आपकी एसजीएसटी क्रेडिट हो जाएगी तो वैट की क्रेडिट तो मिल गई पर आप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सर जीएसटी में जब ये माल बेचूंगा तो मुझे सीजीएसटी भी देना है और ये सीजीएसटी तो फिर मेरे पॉकेट से जाएगी एम आई राइट दोस्तों मित्रों हां मतलब ध्यान नहीं भटकना चाहिए सीजीएसटी तो मेरी पॉकेट से जाएगी एम आई राइट तो ये ट्रेडर हमें पूछ रहा है जो हम है व्यापारी भाई पूछ रहा है सर सीजीएसटी क्यों लगे मैंने तो एक्साइज पे की हुई है मैंने क्रेडिट नहीं ली है एम आई राइट मैंने एक्साइज पे की हुई है बट मैंने क्रेडिट क्योंकि मैं एक्साइज में रजिस्टर्ड हुई नहीं एम आई राइट तो मान लीजिए मेरे पास 10 करोड़ रुपए का स्टॉक खड़ा हुआ है 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को अब आपको वैट की क्रेडिट एसजीएसटी मिल गई अब आपका क्वेश्चन है सर मेरी एक्साइज का मुझे क्या होगा मुझे बता दो तो देखिए जो ट्रेडर खड़ा है हो सकता है इसने माल मैन्युफैक्चरर कम वैट डीलर से लिया हो सकता है या हो सकता है उसने वैट डीलर से ही माल उठाया हो दो ही चीज हो सकती है और तो कुछ नहीं तीसरा जुगाड़ है जुगाड़ का आंसर मेरे पास यहां पे सर उसका वो आंसर ऑफिस में सो दो आंसर करते हैं ऐसे अगर आपने मैन्युफैक्चरर कम वैट डीलर से अगर माल लिया है तो मैन्युफैक्चरर ने आपको एक्साइजेबल कम टैक्स इनवॉइस जनरेट की होगी एम आई राइट अगर आपने वैट डीलर से माल लिया है तो उसने टैक्स इनवॉइस जनरेट की होगी पर एक्साइज ड्यूटी इज एम्बेडेड इन द प्राइस एम आई राइट पर मुझे एक्साइज नहीं मालूम मुझे एक्साइज नहीं मालूम लॉ क्या कहता है सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 ये सेक्शन में जरूर आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आपके जो लॉयर हो चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर हो तो आप ये कहीं नोट कर लीजिए और हो सकता है जब आप डिस्कस करें तो उनसे बोलिएगा सर ये सेक्शन देख लो जैन साहब आए थे ये बता के गए थे कुछ हमें तो वो इस सेक्शन को देख लेंगे सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 ये जरूर नोट कर लें आप लॉ क्या कहता है लॉ कहता है बिमल जी अगर आपके पास एक साइजेबल कम टैक्स इनवॉइस है तो आपको एक्साइज की पूरी क्रेडिट मिलेगी एससी जीएसटी आप सुन रहे हैं
सीजीएसटी, मैंने यही कहा है, मैंने यही कहा है ना? अच्छा फिर मैं गलत करता हूँ सर और सही करता हूँ। मैंने कहा अगर एक्साइजेबल इनवॉइस है तो आपको उसकी पूरी क्रेडिट मिलेगी या सीजीएसटी, एम आई क्लियर? मिल गई क्रेडिट, लेकिन कंडीशन, हर एडवर्टाइजमेंट के साथ एक नीचे छोटा छोटा लिखा आता है टर्म्स एंड कंडीशन जो कोई नहीं पढ़ता, वो मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा बिमल जी क्रेडिट तब मिलेगी जब जीएसटी में वो टैक्सेबल होना चाहिए, दूसरा सच इनवॉइसेस शुड नॉट बी ओल्डर देन 12 मंथ्स प्रीसीडिंग फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट विच इज 1st जुलाई 2017, यानी आपकी जो परचेज होनी चाहिए वो ऑन और आफ्टर 1st जुलाई 2016 होनी चाहिए। एम आई क्लियर? ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, तो आपको पूरी एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट किसमें मिल जाएगी? अब इसमें मैं थोड़ा समझा दूं, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 18% पे फॉल करता है तो सीजीएसटी कितनी हुई? 9%, पर पे आपने कितना किया होगा? 12.5% एक्साइज ड्यूटी। क्रेडिट कितनी मिलेगी? 12.5%। एम आई क्लियर? और इसी को 28 पे ले आइए, अगर 28 का रेट है तो 14-14 आउटपुट लाइबिलिटी आपकी 14 की होगी सीजीएसटी की, बट क्रेडिट कितना मिलेगा? जितना आपने 12.5%। एम आई क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? अब ये बंदा बोलता है सर मेरे पास एक्साइजेबल इनवॉइसेस नहीं, अब बताओ अब मुझे क्रेडिट कितनी मिलेगी? लॉ कहता है जहां भी आपके पास एक्साइजेबल इनवॉइसेस नहीं है वहां पे वो आपको क्रेडिट देगा 40% और 60% ऑफ सीजीएसटी लायबिलिटी। अब ये डिफरेंट है, फिर एक केस ले लूं, केस लेके समझाऊं जिसे समझ में आएगा। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट 18% में फॉल करता है और मेरे पास एक्साइजेबल इनवॉइसेस नहीं, लॉ कहता है बिमल जी आपको क्रेडिट मिल जाएगी 60% ऑफ सीजीएसटी लायबिलिटी, तो 9% इसमें होगी सीजीएसटी लायबिलिटी, एम आई राइट? 9% का 60% 5.4% क्रेडिट मुझे मिल जाएगी इन सीजीएसटी, एम आई राइट? एम आई राइट? एक और कंडीशन डाल दी इसमें, उन्हें कह दिया बिमल जी ये जो स्टॉक खड़ा है ना इसको 6 महीने में बेच देना तभी ये क्रेडिट मिलेगी, अदरवाइज ये क्रेडिट नहीं। और क्रेडिट तभी मिलेगी जब आप सीजीएसटी पे करेंगे। जहां पे भी एक्साइजेबल इनवॉइसेस आपके पास नहीं है आपको 60% मैंने कहा राइट, अभी कहां से आया? उन्हें कहा जहां भी रेट 18 और 28 होंगे वहां 60% और जहां पे भी रेट 5 और 12 होंगे वहां पे 40%। एम आई क्लियर? उन्होंने कहा ये तब मिलेगी जब आप सीजीएसटी पे करेंगे। कैशबैक सिस्टम, कैशबैक सिस्टम, आप पे करेंगे और आपको स्टॉक को 6 महीने में विदिन 6 मंथ सेल करना है, अगर 6 महीने सेल नहीं किया तो ये क्रेडिट नहीं मिलेगी, फिर ये क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब आपके लिए हमारे लिए टेक क्या है, अब हमें क्या करना चाहिए? एक प्रोविजन और इनने दिया, अब 60% 5.4% हुआ तो डीलर बोलता है जो ट्रेडर है बोला सर ये तो कुछ नहीं मिला, मैं अगर 28% का मेरा प्रोडक्ट है तो 14% की मेरी लायबिलिटी और क्रेडिट आप मुझे देते हो 5.4% का, ये मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे तो पूरी एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट चाहिए, पूरी एक्साइज ड्यूटी की। तो लॉ ने एक चेंज भी किया, लॉ ने कहा मैन्युफैक्चरर जिसने ये माल बनाया है अगर ये प्रोडक्ट 25,000 रुपए से ऊपर का है, वैल्यू इज मोर देन 25,000 और ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ब्रांड मैन्युफैक्चरर है, तो उनने कहा मैन्युफैक्चरर एक क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट CTD डॉक्यूमेंट इशू कर सकता है जिसमें वो अपनी एक्साइजेबल इनवॉइस लगाएगा, आपने जिस डिस्ट्रीब्यूटर से माल लिया उसकी भी इनवॉइस लगाइए
और फिर जो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर ने पे की है उसकी पूरी क्रेडिट डीलर को मिल जाएगी। लेकिन ये मुझे समझ में बहुत मुश्किल है सर, हो ही नहीं सकता। देना भी चाहते हैं और नहीं भी देना चाहते। पर यूनिट वैल्यू इज पर यूनिट। Now this provision is being explained to all of you. To me, looks like this is a very difficult task. Could not be possible. May be possible for some big player, but looking at the Vyapari, यहाँ पे possible लगता है सर आपको? मुझे तो नहीं लगता सर, मुझे नहीं लगता। Complicated है। तो हमारे पास अब स्कीम रहा 40-60 का, but 40-60 या excisable invoice ऐसे नहीं मिलेगी। 1 जुलाई को जो भी आपके पास stock होगा उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक फॉर्म है जीएसटी TRAN 1 जिसको विद इन 90 डेज आपको भरना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम पे, तब जाके मिलेगी आपको। ऑटो नहीं मिलेगी। होप आई एम क्लियर टू ऑल। सर उसके अंदर सारी आइटमें भरनी पड़ेंगी है? उसके अंदर सारी आइटमें भरनी पड़ेंगी जो भी स्टॉक आपके पास है। आइटम वाइज बिल्कुल सर। अगर 10,000 नहीं, अगर 1,00,000 आइटम भी होंगी सर, वो आपसे स्टॉक मांगना इनपुट इन। अब आप सोच रहे होंगे एफजी की बात कर रहा है क्या? नहीं नहीं सर, वो बोला इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स। पर चूंकि आप ट्रेडर है तो आपके लिए वही इनपुट है। पर आपके 10,000 नहीं, अगर 1,00,000 आइटम आपके पास है तो आपको भरनी। और जिसके पास 1,00,000 है वो तो चंगा बंदा है। रोना तो उस बेचारे का है जिसके पास 100 आइटम है, रोज का खाता है और रोज का अगर मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर ने अगर क्रेडिट लेना है तो मैन्युफैक्चरर एक्साइज में भी रजिस्टर्ड होता है और वैट में भी रजिस्टर्ड होता है, उसके लिए तो दिक्कत है ही नहीं है। अगर एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है जैसे 1.5 करोड़ से नीचे है, इसी की बात कर रहे हैं ना, तो उसको भी क्रेडिट मिलेगी। अब मान लीजिए जो 1.5 करोड़ से नीचे है उसके पास भी दो सिनेरियो बन गए, या तो उसने किसी मैन्युफैक्चरर से माल लिया हो तो एक्साइजेबल इनवॉइस होगी बट क्रेडिट नहीं लिया होगा, या उसने वैट डीलर से माल लिया होगा। तो उस मैन्युफैक्चरर ने जो एक्साइजेबल इनवॉइस पे माल लिया वो क्रेडिट उसको मिल जाएगी। आइटम कोई शोटिंग हो पाएगी, जैसे आइटम हम एक आइटम लेते हैं रॉ मटेरियल, सर एक मिनट एक्सक्यूज मी सर, मैं आपके क्वेरी को समझ गया, आंसर मैं खुद दे देता हूं आपको। जीएसटी ट्रेन आपसे बोलता है आप पर्टिकुलर आइटम वाइज सारी चीजें डालेंगे। क्यों डालेंगे? उसका एक रीजन है। 5 में फॉल करता है, 12 में फॉल करता है, 18 में फॉल करता है, 28 में फॉल करता है। अगर सामने आपने परचेज किया है किसी एक्साइजेबल इनवॉइस पे, देन बाय डिफॉल्ट उस पे एचएसएन कोड होगा, उस पे एक्साइज ड्यूटी की रेट होगी। तो दिक्कत कहां है? दिक्कत तो वहां जहां पे जुगाड़ है, जहां पे किस पे जैसे हमारे पास 20 साल पुराना काम चल रहा है, बल्कि काम से 20 साल का स्टॉक पड़ा हुआ है, जो सरकार दे रही है 1 साल के बिलों का रिफंड दे रही है, जो बाकी का स्टॉक है वो तो हमसे जेब से जाएगा ना, वो तो सड़कों पे आ जाएंगे। हम सर सुन तो लो पहले सर, सर ने कोई इश्यू नहीं, सर ने ठीक क्वेश्चन भैया, मैं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, मेरा आंसर यही बनेगा ना। ये जो नियम है मैंने बता, अब अभी गवर्नमेंट से पूछिए कि इन्हें 2 साल क्यों नहीं डाला, और जिसके पास 20 साल पुराना माल अभी भी पड़ा रह गया है तो मोदी जी पूछते तो बिजनेस क्यों कर रहे हैं। सर बात ये है, कुछ ऐसी दोनों बात सर
मत लो, पर्सनली मत लो सर। सर कुछ ऐसी आइटमें हैं सर, पर्सनली मत लो, कहीं उन्होंने अपना बिजनेस सर, कुछ ऐसी आइटमें हैं जो पत्थर के अचार है सर, मैं समझ गया सर। सर आप दिल पे मत लगाओ, दिल पे क्यों लगा रहे हो सर? इनके मैंने निशान ने मुझसे बात की थी, अब मैं बता दूं इनका आइटम क्या है। मैंने बोला सर लिपस्टिक आती है मेरे पास और लिपस्टिक का पूरा कार्टन आ जाता है मेरे पास, अब उसमें कुछ बिक जाती है, कुछ रह जाती है, फिर रिप्लेस होती रहती है सर कोई। और कंपनी वापस अब एज ए व्यापारी मेरे पास दो ही ऑप्शन रह गए, एज ए व्यापारी मेरे पास दो ही ऑप्शन रह गए। एक ऑप्शन रह गया, या तो मैं डिपार्टमेंट से बोलूं एक साल को आप दो साल कर दीजिए, तीन साल कर दीजिए, या एक ऑप्शन रह गया कि भैया ये माल पड़ा है, जीएसटी आ रहा है, कम से कम ये पुराना वाला माल लो और मेरी दिक्कत खत्म करो। वो भी कंपनी रहने से इनकार कर रही है सर। सर मैं हाथ जोड़ रहा हूं सर, मुझे 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 माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने रेज कर दिया एक साल, मैंने लॉ पढ़ाया है सर। चलिए अब ओपन हाउस कर लेते हैं, टाइम कम है क्योंकि मुझे दिल्ली निकलना है। सर आप क्या चाहते हो इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके? जो लॉ वाला आंसर है वो मैंने आपको इस बार डिपार्टमेंट से पूछो आप, हाँ पूछो, डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, कौशिक साहब से पूछे वाला क्वेश्चन आप। हाँ जी सर पूछिए। जितना सुना जितना समझ में आया, हाँ मेरा तो हो गया, मैं चलू नहीं करना सर, नहीं करना। 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, अच्छा सा एक दूसरे की बात सुनेंगे और बात सुन के हम चीजों को बड़े एमिकेबली हैप्पी नोट के साथ समापन करेंगे। मेरा भी मुझे भी दिल्ली वापस जाना है, 11 बज जाएंगे सर, तो बस मुझे 15 मिनट ओपन हाउस सेशन। मैडम को माइक दिया जाए, माइक भेजिए मैडम के साथ, पहले मैडम को दे देते हैं सर। रिप्लेसमेंट पॉलिसी का क्या सिस्टम है? मगर आपने सब बड़े बड़े दुकानदारों की बात करी है। पहली बात तो मेरी ये है कि मैं किताबों से रीड करती हूँ, उस पर टैक्स नहीं लगता, तो क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? अब मैडम आप मुझे बताइए, आपका जो क्वेश्चन था उसमें मैंने तो कोई गुस्ताखी की नहीं, आपका क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है, आप बुक में डील करते हैं, बुक पे जीएसटी नहीं लगता तो रजिस्ट्रेशन लेना होगा। हाँ। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेना पड़ेगा। मैं नहीं पता अगर, लेकिन आप किताबों में ही एक्सक्लूसिवली डील करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, मेरी 20 लाख से ज्यादा तो भी नहीं लेना, क्योंकि अगर इफ यू आर एक्सक्लूसिवली डीलिंग एक्सक्लूसिवली, मैम मैंने आपको आंसर बता दिया, लीगली लॉ ये बोलता है इफ यू आर एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैम अब ठीक है, आपके हिसाब से मैं ठीक है, मैं आपके हिसाब से नहीं, अब दूसरा किसी और को दे दीजिए। नहीं बात यही है, देखिए मुझे अकाउंट्स की एबीसी भी नहीं आती, लेकिन मैं 25 साल से अपने अकाउंट संभाल रही हूँ सिर्फ कंप्यूटर की वजह से। आप लोगों को चाहिए कि लोगों को जैसे भी है कंप्यूटर की ट्रेनिंग बड़े एक्सटेंसिवली देना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत स्टेशनरी में दूसरी फॉर्म में भी करती हूँ, तो सारा काम जो है कंप्यूटर कर देता है, लेकिन कंप्यूटर के बिना नहीं हो सकता। आपने जब कहा आप लोगों को करना चाहिए, मैं डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हूँ मैम। नहीं आप लोगों से मेरा मतलब व्यापार मंडल, इनकम टैक्स, जो भी कुछ है, और मैं व्यापार मंडल का भी नुमाइंदा नहीं हूँ। अब मेरी आपसे गुजारिश इतनी है, आप मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे मुझसे पूछिए। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स अगेंस्ट रेट डिफरेंस स्कीम कैश डिस्काउंट एंड रिप्लेसमेंट को हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? ठीक है सर, बैठिए सर, मैं आंसर करता हूँ। कई क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन पूछता रहूंगा। अच्छा 15 मिनट पे जितने होंगे उतने में आंसर।
बार बार की क्वेश्चन ऑफिस में बोला भाई आपसे निवेदन है प्रश्न पूछिए पक्का पर एक प्रश्न अगर किसी ने पूछ लिया उसको रिपीट ना करें ठीक है जी थैंक यू जीएसटी में क्रेडिट नोट डेबिट नोट डिस्काउंट और डिस्काउंट भी एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड पोस्ट सप्लाई बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है आप किसी को क्रेडिट नोट किस लिए देते हैं या तो आपको मैंने 100 क्वांटिटी सेल की पर आपको गई 90 है आपने कहा बिमल जी 100 की बात कर तो आई 90 है तो मुझे 10 के ऊपर क्रेडिट नोट देना पड़ेगा या मैंने 100 रुपए चार्ज किया आपने कहा बिमल जी 100 की बात नहीं हुई जी 95 दूंगा तो अभी तो सब मैनुअल करते हैं हम हाथ पे काट पीट देते हैं सब मैनुअली कर देते हैं जीएसटी में सब कुछ आपके पास मैनुअल करेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं होगा जहां भी रेट डिफरेंस की बात होगी क्वांटिटी डिफरेंस की बात होगी आप क्या करेंगे आप विमल जी के नाम पे डेबिट नोट चलाएंगे और मैं आपको क्रेडिट नोट दूंगा और सिस्टम में अपलोड होगा सिस्टम में अपलोड होगा तो अगर मान लीजिए 100 पे मैंने अगर टैक्स पे किया और 90 पे मुझे पे करना तो क्रेडिट नोट रेज करते ही मेरी लायबिलिटी कम होगी और आपकी क्रेडिट डेबिट नोट की वजह से 100 की बजाय 90 पे आ गई ऑटो होगी सिस्टम के जरिए अब सिर्फ ऑटोमाइज होगा जैसे मैम ने कहा कि ऑटोमाइज होना है ये सारे ऑटोमाइज लेकिन किस कंप्यूटर सिस्टम से होगा कैसे होगा इसकी एजुकेशन बहुत जरूरी है आई गो विद यू मैम No denial, I go with you. अब एक डिस्काउंट हुआ जो प्री सप्लाई हुआ जब आप सप्लाई करते हो तो सिंपल है 100 रुपए 10 रुपए का डिस्काउंट 90 रुपए पे वैट लगता है 90 रुपए पे जीएसटी लगेगा दिक्कत होती है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में क्वांटिटी डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट जो सप्लाई के टाइम पे मालूम नहीं होता वो मालूम ही बाद में पड़ता है क्योंकि जितनी क्वांटिटी आप उठाएंगे उस पर ही आपको डिस्काउंट मिलेगा तो लॉ ने कहा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए लॉ ने जो कहा लॉ ने कहा देयर थ्री कंडीशन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए सप्लायर रिसीपिएंट के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए एंड दिस एग्रीमेंट मस्ट बी इंटर्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए दूसरा बाय वे ऑफ क्रेडिट नोट मैं क्रेडिट नोट दूंगा आपको डिस्काउंट के लिए या इंसेंटिव के लिए एंड दीज क्रेडिट नोट शुड बी सपोर्टेड बाय द इनवॉइसेस रेंज इन द पास्ट बहुत डिफिकल्ट है सर हम तो ऐसे परसेंटेज दे देते हैं हमारे हम ऐसे परसेंटेज दे देते हैं पर ये लॉ बोलता है इट शुड बी सपोर्टेड बाय इनवॉइस और तीसरी कंडीशन ये बोलता है जहां भी आपने इंसेंटिव और डिस्काउंट दिया Recipient must have reversed input tax credit to that extent. तो ये follow पूरा करना पड़ेगा अब आपके question कई तरह के हो सकते हैं कि मुझे क्या मालूम उसने reverse किया कि नहीं किया मैं invoice कैसे match करूंगा ये सब problem जो है problem हमने discuss कर लिए पर इनकी law जो बना रहे हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा अब आप मुझसे पूछे कि आप क्या करेंगे मैं आपसे सिंपल आंसर दूंगा कि जहां भी आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट करें टैक्स को कंसीडर मत कीजिए सिर्फ क्रेडिट नोट डेबिट नोट बेसिक अमाउंट का कीजिए टैक्स को लीजिए मत तो आपकी बेसिक खत्म हो गई टैक्स का कोई लेना देना नहीं है आपने आउटर टैक्स डिपार्टमेंट को दिया हुआ है उसने उतना क्रेडिट लिया हुआ है तो डिपार्टमेंट को तो लॉस नहीं हुआ डिपार्टमेंट का यही टैक है कि मुझे लॉस नहीं होना चाहिए तो हम परचेज में नहीं मानते इस पहली नोट को हम प्रॉफिट में लेके जाए प्रॉफिट उसको आप परचेज में से घटाने के बजाय उसमें जीएसटी की अमाउंट घटाने की बजाय लायबिलिटी घटाने की बजाय आप सीधा उसको क्रेडिट कर रहे आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं मैंने बड़ा सिंपल समझा दिया सर
टिन टू नॉन टिन। जीएसटी में
टैक्स इनवॉइस के पर्टिकुलर्स चाहे वो बी टू बी हो चाहे वो बी टू सी हो, सिर्फ उसका जीएसटी नंबर नहीं होगा, कंज्यूमर का जीएसटी नंबर नहीं होगा। इनवॉइस तो आपकी वो सारे पर्टिकुलर्स के साथ ही बनेगी, इनवॉइस जो बनेगी वो सारे पर्टिकुलर्स के साथ बनेगी। जो अपलोडिंग होगी ना, तो अपलोडिंग के लिए हमने कह दिया है कि जितने इंट्रा स्टेट की बी टू सी इनवॉइसेस हैं उसको आप कंसोलिडेट कर दीजिए, और जितनी इंटर स्टेट की है अप टू 2.5 लाख रुपीज, अप टू 2.5, उससे बियॉन्ड होगी तो इनवॉइस वाइज, और बी टू बी तो आपको इनवॉइस वाइज अपलोड करनी ही है। तो यानी जितनी बी टू सी इनवॉइसेस है, इनवॉइस के पर्टिकुलर तो वही रहेंगे जो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस पे रहेंगे, लेकिन अपलोडिंग के लिए हमने आपको रिलैक्स कर दिया कि बी टू सी की इंट्रा स्टेट की सारी इनवॉइसेस आप कंसोलिडेट कर दीजिए। दिस द आंसर। सर मैं ये समझूं इस मामले में ये जो कैश पेमेंट का पर भी अगर इनवॉइस हमें काटनी है तो उसका कंप्लीट एड्रेस और नाम ये कंपलसरी है? सर उसमें ऐसे 15-16 पर्टिकुलर्स है सेक्शन 31 में जो ये कहता है कि इनवॉइस पे सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए, सिर्फ नाम पता नहीं, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, उसका नाम, उसका एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ रेसिपिएंट, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके बाद क्वांटिटी क्या है, एक्सेशन कोड क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, रेट क्या है, अमाउंट क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, ये सारी चीजें हैं जो ब्लाबला मैंने आपसे डिस्कस की। तो ये सेक्शन 31 में है, चाहे वो आप बी टू बी इनवॉइस रेज कीजिए चाहे बी टू सी इनवॉइस रेज कीजिए। सर इन्हें तो यही कहा है, 10,000 का सर इन्हें कोई आपको रिलैक्स नहीं दिया कि इनवॉइस के फॉर्मेट या पर्टिकुलर्स बदल जाएंगे। इन्हें कहा है कि कॉमन इनवॉइस रहेगी, बी टू बी होगी तो जीएसटी टू जीएसटी होगी और बी टू सी होगी तो टिन नंबर, अदरवाइज सारे पर्टिकुलर्स आपने डालने हैं। अब इसको अपलोड करना है तो उन्होंने कहा बी टू बी सारी इनवॉइस वाइज अपलोड करेंगे, बी टू बी सारी इनवॉइस वाइज, पर बी टू सी को कंसोलिडेट कर दिया, इतना ही रिलैक्स किया और कुछ नहीं किया। पर बी टू बी में हम 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट नहीं ले सकते, ये इनकम टैक्स वाली बात कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी में ऐसा कोई क्राइटेरिया 10,000 वाला नहीं चला। अब ये कई बार कई हमारे व्यापारी हैं वो कहते हैं जी हमें 10 कट्टे चावल के भेज दो या दो पेटी काजू के भेज दो, उसकी अमाउंट तो होगी कम, लेकिन वो दो बार तीन बार एक ही दिन में अगर मंगवाए तो क्या हम बेचने के लिए तीन बार एंटाइटल हैं? आप दिन में तीन बार क्यों, 10 बार एंटाइटल है, 10 बार क्या, 20 बार एंटाइटल है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, नियर बाई में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, विदिन द स्टेट कह रहा हूं, विदिन द स्टेट की बात कर रहा हूं सर। अब इन्हें ये कहा कि मान लीजिए कई बार हम ऑन अप्रूवल बेसिस भी भेजते हैं कि पहले भेजा वो एक्सेप्ट करेगा तब हम इनवॉइस बनाएंगे, तो उसके लिए डिलीवरी चालान का एक कॉन्सेप्ट डाला है, डिलीवरी चालान उस पर भेज दीजिए, जब सेल सप्लाई नहीं हुई अप्रूवल बेसिस पे है तो डिलीवरी चालान पे भेज दीजिए और जब फाइनल हो जाए तब इनवॉइस जनरेट कर दीजिए। चलो क्योंकि अभी तक ये ईवे बिल फाइनल नहीं हुआ इसलिए मैं पूछ रहा था। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपके दर्द को यहाँ तक समझ पा रहा हूँ लेकिन आपने गलत बंदे को खड़ा करा दिया है। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन कौशिक साहब को बुला के पूछने चाहिए, कौशिक साहब हमें ज्ञान वर्धन कीजिए इन सब का हमारे साथ क्या होने वाला है। जीएसटी कानून की धारा, जीएसटी कानून की धारा 132 के ए बी सी और डी में क्या प्रावधान है, क्या इन उपधाराओं में 2 करोड़ की टैक्स चोरी वाला प्रावधान लागू होता है या नहीं? आप तो ये धारा लेके आए हैं सर, ये धारा वाली बात अभी नहीं करेंगे। दो तीन क्वेश्चन बाहर से ले लूं मैं, वो बाहर से दो तीन क्वेश्चन ले लूं।
रामकरण जी अपना कोई इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक है जी सर। जब आपने पहले इनवॉइस किया और वापस आप अगर किसी चीज को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ कोई ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, वो आएगा उसको हम बेसिकली बाय क्रेडिट नोट ही एडजस्ट करेंगे। पहला ट्रांजेक्शन बाय क्रेडिट नोट एडजस्ट हो गया तो पहला ट्रांजेक्शन स्क्वायर अप हो गया, दूसरा ट्रांजेक्शन जब आपने सप्लाई किया फिर से सप्लाई बन गया। कंज्यूमर के रिटर्न आपकी तो अगर कंज्यूमर की रिटर्न आती है तो वो बोलता है कि उस टैक्स कंपोनेंट जैसे आपने क्रेडिट नोट रेज किया तो टैक्स लायबिलिटी में आपको एडजस्टमेंट हो गया, जिसको रिप्लेसमेंट आप समझाना चाह रहे हैं। लॉ सिंपल ये बोलता है ऐसे केस में कि मान लीजिए आप रिप्लेसमेंट लेते हैं तो क्रेडिट नोट जनरेट कीजिए अगेंस्ट दैट इनवॉइस। बी2सी के ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा, बी2सी आप कुछ भी करते रहिए, जस्ट रिटेलर की बात कर रहा हूं, कंज्यूमर की बात कर रहा हूं। कंज्यूमर की आप बात करें तो कंज्यूमर के लिए ऐसी कई चीजें हैं जो नॉर्मली हम कर सकते हैं, हम नॉर्मली कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो उसी रेंज का फॉल करता हो, उसी कैटेगरी में फॉल करता हो। लॉ के अंदर वो बोलता है कि आज मैं लॉ में आकर तो फिर आप मेरी बात कर रहे हैं, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ इसमें क्या हो। बी2सी के केस में मैंने आपसे कहा ना कि अगर रेट वही हो क्लासिफिकेशन वही हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा हो तो कैसे एडजस्ट करेंगे, फिर तो वही अपना ही नो, ठीक है ना। सर एक चीज पूछनी है मुझे आपसे कि मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम करता हूँ, ठीक है, और मैं डिपार्टमेंट को जब मैं माल देता हूँ तो डिपार्टमेंट को मैंने माल दे दिया 50 लाख रुपए का एडवांस, डिपार्टमेंट मुझे 50 लाख की पेमेंट करता है विदाउट वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स काटे, तो जो मैंने 50 लाख की पेमेंट दिया डिपार्टमेंट जब मेरा काटेगा 12% टैक्स काटेगा जब मुझे पेमेंट देगा वो, तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट ने 50 लाख की पेमेंट ली है तो उसका मुझे एडवांस टैक्स अपने पास ही जमा कराना पड़ेगा। सर अभी आपने क्वेश्चन बनाया टीडीएस में ना ट्रांजेक्शन नोटिफाइड होंगी डब्ल्यूसीटी की, ये किस ट्रांजेक्शन पे डब्ल्यूसीटी कटेगा, तो सिंपल जैसे टीडीएस कटा तो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू होगा उसकी आपको क्रेडिट मिलेगी। पहले तो मैंने जबरदस्त करो मैंने सर आज 50 लाख का माल मेरे डिपार्टमेंट को डाल दिया, डिपार्टमेंट ने मुझे 50 लाख की पेमेंट दे दी, ठीक है, मेरा बिल जो रेज होगा वो 3 महीने बाद रेज होगा, जो भी आपके पास एक्सेस, अब आप बोले मेरे पास एक्सेस हो जाएगा राइट, एक्सेस के केस में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जहां भी वो रिफंड की बात करता है वहां पे इस जहां पे टीडीएस रिलेटेड प्रोविजन है, पहले आप समझ लीजिए टीडीएस रिलेटेड प्रोविजन में वो सिर्फ पेमेंट की बात, आज तो हम पेमेंट की बात करते हैं पेमेंट की बात, पर जीएसटी में वो सप्लाई के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकती है, क्लैरिटी नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा। सर लोकल को डाउन टू शॉप शिफ्टेड माल वास्ते की पोजीशन है, मैं यहां सुन रहा हूं गोडाउन टू शॉप या शॉप टू गोडाउन लोकल ले जाने वास्ते की पोजीशन है, गोडाउन टू शॉप और शॉप टू गोडाउन दिल्ली चालान के जरिए, दिल्ली चालान के जरिए नहीं मतलब रेडी रिक्शा पे भेजने के लिए या आने के लिए कोई खास, सर वही वाली बात होगी ना सर, ने वही तो कहा कि रेडी से रिक्शा के आने हैं तो माल गोडाउन से शॉप पे ऐसे तो जाएगा नहीं, आपको कोई डॉक्यूमेंट दिल्ली चालान फॉलो करना पड़ेगा, वही तो मैंने बोला 3 बार बोला, मैंने 4 बार बोल देता हूँ मैं सर पीछे ले गया। माइक एक मिनट, माइक आएगा आपके पास, तो इसलिए हमें तो ये खुशी है कि पहले हम एक्साइज में थे और सारे ट्रेडर 20 लाख से 25 की सेल है, ये सारे सेंट्रल एक्साइज में आ गए, ये बहुत बड़ी अच्छी हो गया जीएसटी में, जीएसटी इज नथिंग बट सेंट्रल एक्साइज और एचएसएन आ गया, टैरिफ बोर्ड की जगह एचएसएन आ गया, तो सेंट्रल एक्साइज के लाभ बड़े स्ट्रिंगेंट है ये आपको पता होगा, इसलिए थोड़ा एसओजी ट्रीटमेंट कराओ सरकार से, प्रॉब्लम आ गई सही बात बता रहा हूँ। देखिए जिसने 20 लाख की जो सेल करेगा खर्चे भी नहीं पूरे होते, 20 लाख से सारे के सारे लाइसेंसी बन गए हैं सेंट्रल एक्साइज के, इन दी अदर वे,
और इसमें क्या है, जो 20 लाख से जो सेल करता है उससे हम अगर मटेरियल लेते हैं तो हमें उसका क्रेडिट नहीं है, तो हम 20 लाख की सेल वार्षिक क्यों लेंगे? तो छोटा जो व्यापारी है या छोटे जो मैन्युफैक्चरर है, जो नमक भुजिया बनाने वाले हैं, गेट क्लीनर बना रहे हैं या और छोटा मोटा काम करने वाले, मर जाएंगे वो, बहुत बुरी हालत होगी। कुछ कीजिए, उनका प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, ये आज ड्राफ्ट ये इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं, ड्राफ्ट स्पेसिफिक GSTR 1 12 पेज का है, 100 पेज की रिटर्न है ये मेरे पास है। ये अगर सिंप्लीफाई नहीं किया, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपसे, ये गुजारिश है, आपका बिल्कुल रुतबा सही है, आप ये सरकार के पास ये करवा भी सकते हैं जीएसटी काउंसिल में, आप दिल्ली में जीएसटी काउंसिल में जाइए, कृपया ये जो रिटर्न है, एक एक इनकम टैक्स सरल फॉर्म एक है, हमने हार्मोनाइज सिस्टम लागू कराया आपने और हमने मिलकर चैंबर ने, हार्मोनाइज सिस्टम एक ही ड्यूटी, चाहे स्क्रैप है, चाहे नट बोल्ट है, चाहे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, एक ही काम इनका भी कर दीजिए, अदरवाइज ट्रेडिंग का हालत खराब हो। सर मैं आपसे आपकी बात को एक ऐड कर लूं, सर पेन मुझे भी उतना ही है। अब आप एक चीज समझिए, मैंने स्टार्ट किया मिल्क, 7 वैरायटी और 4 रेट में फॉल कर रहा है, क्या इस दिन के लिए जीएसटी देख रहे हैं हम? मेरा पेन उतना ही है जितना पेन आपका है। अभी मैंने आपसे कहा कि सर देखिए जो रिटर्न है ऑटोमेटेड आ जाएगा, एक तरीका होता है कि हम अपनी गुजारिश रखते हैं गवर्नमेंट के पास, और एक तरीका होता है कि सर ये जो करे करे, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत तो पढ़ा दो, कम से कम मैं अपनी तैयारी करूं। मैंने आज अपना जो रोल निभाया है वो निभाया है लर्निंग के लिए, मैं डिमांडिंग के लिए नहीं उठाया। डिमांडिंग के लिए अगर आप उसे पूछेंगे तो आपने सिर्फ 2 पॉइंट उठाया, मैं 100 पॉइंट उठा सकता हूं अभी इस मोमेंट पे, कि अगर ऐसा हुआ तो ये बिगड़ने वाला है, ये बिगड़ने वाला है, ये बिगड़ने वाला है। तो सर ये पेन एसएमई और एमएसएमई सेक्टर का है, मैं मानता हूं। अब आप मुझे बताइए, अभी हमने कई बातें की यहां पे, आज हम सब इस बात को कर रहे हैं, मैं आपसे कई बार कई क्वेश्चन में ये कह गया और आंसर में ये कह गया, आप गलत बंदे से पूछ रहे हैं, हमारे कई बार मैंने कहा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अभी जो आपने मुझसे कहा, मेरा रोल इतना हो सकता है कि मैं हम सब की बातों को, हम सब में मैं भी इंक्लूड हूं, हम सब की बातों को गवर्नमेंट को रखूं। आज 12 जून आप बताइए, 12 जून को हम खड़े और 1 जुलाई से जीएसटी आने वाला, मैंने स्टार्टिंग वहीं से किया था कि 1 जुलाई रियलिस्टिक है या नहीं है। मैं आपके साथ हूं सर, लेकिन करूं क्या इस मूवमेंट पे, इस मूवमेंट पे चले, कल अगर आ गया, कल अगर ये आ गया तो हमारी तैयारी है या नहीं है, मैंने वो बात किया है। मेरा रोल आज लर्निंग का था, मेरा रोल कल जब आप मुझसे बोलेंगे कि नहीं व्यापार मंडल का रिप्रेजेंटेशन लेके जाना है, गवर्नमेंट से बात करनी है, पंजाब के सीएम से बात, वहां रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, वो थोड़ी मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आपको। आई होप यू ऑल एग्री विद मी। तो अभी हम उस टाइम हाँ। क्यों अभी टाइम को यूटिलाइज करें, सर सच्ची बात बता रहा हूँ, हाँ इनको बताओ, मैं इनको एक बंदा हनुमान जी के पास एक बंदा चला गया, बैठिए मैं आपको सुनाऊं, हनुमान जी के पास एक बंदा चला गया और जाके रोज लड्डू चढ़ाए 1.25 किलो के, बोले प्रभु जी मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ। हनुमान जी से रहा नहीं गया, 30 दिन बाद आके वो बोले बेटा पहले मेरी शादी हो जाने दे फिर तेरी करवाओ। तो सर मुझे भी तो 9 मिलने चाहिए। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा टाइम, मुझे दिल्ली पहुंचना है, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड माय टाइम पीरियड, लास्ट क्वेश्चन। फ्लिपकार्ट अमेजन जैसे ऑनलाइन पोर्टल है, इन पे अगर नया सेलर हो, 20 लाख से उसकी सेल कम हो तो क्या जीएसटी नंबर लेना चाहिए? लेना चाहिए। दूसरा, अगर हम बिल दे देते हैं और प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है, उसके बाद क्या उस बिल को कैंसिल किया जा सकता है? बिल कैंसिलेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट,
अच्छा, इसके अलावा उसमें कुछ क्या रेट्स वगैरह जीएसटी लगेंगी वो कुछ? जो आप सप्लायर हैं, सप्लायर की जो रेट एप्लीकेबल होंगे वो लगेंगे। कोई सरकार का सॉफ्टवेयर आया जो हम अपने कंप्यूटर में डाल सके? सॉफ्टवेयर कोई ऐसा आया जो आप सरकार की तरफ से? सरकार वो फिर बना के बेचते हैं क्या? 1800 खरीदने में कोई टैक्स है? नहीं लगेगा सर, वो कंसीडरेशन मानी जाएगी। चलिए, मुझे मेरे पास टाइम कम है, क्वेश्चन बहुत है। प्लीज मुझे मुझे ओवरसीज किस लिए? सप्लाई ऑफ गुड्स जीएसटी नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप देखिए, आप एक मिनट। एट द आउटसेट लेट मी थैंक्स व्यापार मंडल, लेट मी थैंक्स चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, and let me thank each one of you for giving patient hearing. Thank you very much. Thank you. जिनके वजह से प्रोग्राम पॉसिबल हो पाए, अजीत बाला जी जोशी जी और उन्हें संबोधन करेंगे। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। कार्यक्रम की गरिमा रखिए, उनकी गरिमा रखिए, बहुत सीनियर अफसर है। तालियों के साथ स्वागत करिए जी अजीत बाला जोशी का। धन्यवाद। नमस्कार, ये फोर्सफुल उद्बोधन है मेरा, तो मैंने ना कहा था आपने बोलना है। मैं थैंकफुल हूँ विमल जी का, और दो घंटे में जानबूझ कर अपना ऑफिस छोड़कर गई थी मीटिंग से, फिर मैं बैठा रहा क्योंकि इट वाज लर्निंग फॉर अस आल्सो। थैंक यू वेरी मच विमल जी। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई विल एश्योर फ्रॉम द डिपार्टमेंट सर वन थिंग, विमल जी ने दो ऑप्शन दिए थे कि होगा या नहीं होगा, इट इज गोइंग टू हैपन। एक तारीख पक्की है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में मैं जाता हूँ, कल भी मैं वहीं था, 18 को भी जाऊंगा, 30 को भी आखिरी मीटिंग है। देयर इज नो डिले, 1 जुलाई को ये रोल आउट होगा। हम लोगों की तैयारी पूरी तरह से डिपार्टमेंट की तरफ से, वी विल एश्योर यू। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मैं विमल जी की वजह से, जगह जी हो गए या अनिल जी और चिरंजीव जी है जो व्यापार मंडल की तरफ से, मैं आई एम रियली एक्साइटेड टुडे कि इतने क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। मैं पहले इस कार्यक्रम में गया, आज तक मुझे कि मेरे हिसाब से मेरा 7वां 8वां सेमिनार है जिसमें मैं अटेंड कर रहा हूँ, इसमें इतना ओपनली लोग पूछ रहे। आई थिंक वी ऑल आर क्यूरियस, हम लोग चाहते हैं जानना। हम लोग जगह जी का भी ऐप आ गया है, या विमल जी ने बहुत बहुत स्पष्टता से आज बात की है। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि यू शुड गिव योर एड्रेस और फोन और समथिंग लाइक दैट, सो पीपल हैव मोर क्यूरियोसिटी, वो आपसे बात करें। एक फैसिलिटेशन सेंटर हम लोग अपने यहाँ भी ओपन करने जा रहे हैं। उसके अलावा वी वांट, जैसे आपने कहा था कि जब तक वो दिखता नहीं पता नहीं चलता, वी विल टेक यू टू द प्लेस। आप विश्वास करिए, हम लोग आपको साथ में लेकर चलेंगे, हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। 1 जुलाई तक हम लोग चाह रहे हैं कि आप के साथ आपका एक हाथ बार एटलीस्ट हमारे पास। आज की तारीख में वी आर द फर्स्ट इन द कंट्री जिसमें 100% माइग्रेशन हुआ है, 100% माइग्रेशन। कई राज्य जो 68% है, इट कुड हैपन बिकॉज ऑफ यू, बट उसके साथ हम लोग आपको साथ लेकर जाएंगे। हम लोग ये चाह रहे हैं कि आपका एटलीस्ट हर एक व्यक्ति का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो। 17,000 हमारे पास व्यापारी है, हम लोग चाह रहे हैं कि 100 कैंप्स आने वाले 20 दिन में लगे हमारे यहाँ पे। आप हर एक व्यक्ति को हम लोग एक वी आर गोइंग टू गिव यू सम डॉक्यूमेंट, सम राइटर, उसके बाद आप उसके ऊपर एक्सरसाइज करिए। दिस इज अ एग्जाम, सो लेट बी प्रिपेयर फॉर इट। एंड हम लोग चाह रहे हैं कि हम सभी, आपका ही नहीं हमारा भी एग्जाम है, सो हम लोग भी तैयार है उसके लिए, हम लोग भी तैयारी करना चाहते हैं। हम लोग किसी भी तरीके का व्यापारी को भी लाइक टू, मतलब इस मंच से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ चंडीगढ़ व्यापार मंडल के तरफ का जो मंच है, कि किसी भी व्यापारी को हम लोग दुख दर्द या पीड़ा देने की कोशिश नहीं करेंगे। It is by you. और जैसे उन्होंने कहा विमल जी ने भी और पूरा देश ये कह रहा है, 2-3% GDP का ग्रोथ होना ये हम सबके लिए है, हम सबके लिए है। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी अगर हम इसमें पूरा साथ लेकर काम करेंगे। हम लोग फैसिलिटेशन सेंटर देंगे, कॉल सेंटर नंबर दे रहे, हम लोग भी हमारी तरफ से स्मॉल ट्यूटोरियल्स बना के आपको दे रहे हैं, आपके लिए एक और इंटरेक्टिव सेमिनार्स के तौर पर हम लोग काम करना चाह रहे हैं। मैं आज इनसे अपील करता हूँ, मैंने कौशिक जी को सुबह कहा था कि हमारे जो 17-18 हजार
व्यापारी है उन सबके पास स्मार्टफोन तो होता है, मैक्सिमम पास आज के तारीख में स्मार्टफोन यूज करते हैं। वी विल स्टार्ट आवर ट्यूटोरियल्स मे बी 16 तारीख के आसपास, हम लोग हर दिन आपको सुबह एक ट्यूटोरियल शुरू करेंगे कि आपके पास एक डिटेल आ जाएगा कि क्या कैप्सूल्स है, क्या जीएसटी का मतलब है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इट विल बी इंटरएक्टिव ट्यूटोरियल्स, वी सेंड इट यू। जस्ट मेरा रिक्वेस्ट है कि एक ऐप हम लोग दे देंगे आपको और आपके नंबर हमें दे दीजिए सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विथ यू। वी वुड लाइक टू इंटरेक्ट विथ यू, आपसे हम बात करते रहेंगे और ये आश्वस्त रही है कि हम लोग भी आपके साथ इसको सक्सेसफुल बनाने का प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार चंडीगढ़ व्यापार मंडल का, कौशिक जी का, विमल जी का, जगह जी का, आप सबका विशेषकर आभार व्यक्त करता हूँ। इट वॉज वेरी लाइव इंटरेक्टिव सेशन, थैंक यू वेरी मच विमल जी। थैंक यू, ज्यादा समय न लेते हुए धन्यवाद डीसी साहब। भाई बैठे रहिए, बस 5 मिनट का कार्यक्रम और बचा हुआ है। आप लोग जो चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने इनिशिएटिव लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट किया है, आई एम श्योर जो इस रूम के अंदर आए थे ऑडिटोरियम में, जो दिमाग में शंकाएं थी जीएसटी के बारे में, जो चीजें अप्रिहेंशंस थी, और स्पेशली जब डीसी साहब अश्योरेंस दे रहे हैं अपने आप से कि प्रशासन बहुत ईजी रहेगा, तो आई एम श्योर आपकी क्लैरिटी बेटर हुई होगी, थोड़ी पॉजिटिविटी टुवर्ड्स जीएसटी बेटर हुई होगी। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, मैं वहां देख रहा था, हमारे चेयरमैन साहब और हमारे नॉमिनेट काउंसलर, हमारे बिग ब्रदर सरदार चरणजीत सिंह जी आपको संबोधित करें और वोट ऑफ थैंक्स इस जीएसटी सेमिनार के लिए करें। तो तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन सरदार चरणजीत सिंह जी का। हो गया जी। ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर अजीत बाला जोशी जी, आज मैं भोपाल मंडल की ओर से सब अपने साथियों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना समय हमें दिया। डिप्टी कमिश्नर साहब मेरे साथ ही बैठे थे, मैंने देखा है, जैसे हमने ध्यान से सुना है, इन्होंने भी 2-2.5 घंटे पूरा ध्यान देके ये प्रोग्राम सुनाया है और उसके साथ इन्होंने हमें भरोसा भी दिया है कि किसी भी व्यापारी को कोई हरासमेंट नहीं होने दी जाएगी, तरीके से धीरे धीरे ऐप ला के सिस्टम लगा के सब अपने को समझाया जाएगा। तो मुझे लगता है इससे हमारा काफी जो डर था, हमें एक जीएसटी आ रहा है, कैसे हम आगे जाएंगे, कैसे करेंगे, काफी खुशी से अडॉप्ट करिए। कोई भी आपको लगेगा किसी चीज में अमेंडमेंट चाहिए, जिसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रैक्टिकल थिंग नहीं है, हम उसको अमेंडमेंट करके जीएसटी काउंसिल में जाके चेंज करेंगे। सो मैं बड़ा धन्यवाद उनका भी और डिप्टी मिनिस्टर का भी, जिन्होंने हमें भरोसा दिया कि किसी तरह की हरासमेंट नहीं होने दी जाएगी। इसी के साथ हमारे एटीसी रविंदर कौशिक जी भी आए हुए हैं, उन्हीं के सहयोग से यह सारा प्रोग्राम संभव हुआ है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से बात की, सबसे बात की, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। विमल जैन जी दिल्ली से आए हैं, बड़ी अच्छी तरह हमें समझाया, जैसे एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है उसी तरह उन्होंने पढ़ाया है, और साथ में वो भी रखा है लाफ्टर वाला सिस्टम भी साथ रखा है कि बोल भी नहीं होने दिया 2-2.5 घंटे। तो एक ये भी फील किया है कोई जीएसटी कोई ऐसा डर वाली चीज नहीं है, इसे डरने की जरूरत नहीं है, इसको आप, मेरे लगता है कि वैट जैसा ही सिस्टम है इसमें। सो मुझे बड़ी अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, सबने बड़े ध्यान से 2-2.5 घंटे सुना है, तो इसमें मैं खास तौर पर इनका धन्यवाद करता हूँ कि स्पेशल ड्यूटी से आपने हमें समय दिया और बड़े अच्छी तरीके से समझाया और हमारा डर भी दूर किया उन्होंने। और डिपार्टमेंट से दूसरे एटीओ भी आए हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और अजय जगह जी ने भी लॉन्च भी किया हमारे लिए ऐप और हमें ये बार बार समय समय पे समझाते भी रहते हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो भी हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए हुए हैं, एडवोकेट्स आए हुए हैं, मेरे व्यापारी साथी आए हुए हैं और जो भी दूसरे लोग जिन्होंने यहाँ बैठ के पेशेंट से सुना है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सबने टाइम दिया, सो नाइस। आप सब लोगों के लिए चाय नाश्ते का प्रोग्राम रखा गया है, तो कृपया करके इस साइड कैंटीन साइड में प्रस्थान करिए। और ये चाय नाश्ते का प्रोग्राम जो है वो चंडीगढ़ व्यापार मंडल द्वारा रखा गया है। एक और सूचना है जरूरी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ग्रेन मार्केट में 14 या 15 तारीख को 14 तारीख को 3 से 5 एक और सेशन ऐसा छोटा इस लेवल का ही रहेगा, बट सेशन रहेगा एजुकेटिव सेशन, तो पक्का उसको अटेंड करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय चंडीगढ़ व्यापार मंडल, धन्यवाद।